गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू एग्जामपुर। आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चे जुड़ जाते हैं। आज हम लोगों की वीकली रिवीजन की क्लास है, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा। अमर भीर, गुड मॉर्निंग बच्चे। काजल पांडे जी, जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए मैं जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और अपने सेशन को हम लोग कॉन्टिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग अमर भीर जी। चलते बच्चे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का आपको बताओ बच्चे, ये जो क्लास है आपकी, ये वीकली रिवीजन की क्लास है। ये कौन सी क्लास है बच्चा? ये आपकी वीकली रिवीजन की क्लास है। तो आपको यहाँ पर वही प्रश्न दिखेंगे जो आपने इस वीक में पढ़ा था। वीकली रिवीजन रहेगा, ठीक है आपका। तो वीक में जितना भी प्रश्न बच्चे हम लोगों ने पढ़ा, वही हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को देखना है। चलिए भाई जल्दी से अब सभी लोग लाइव आ जाइए और आंसर करने स्टार्ट कर दीजिए। रबिया बश्री, गुड मॉर्निंग बच्चे। अमित एंटरटेनमेंट, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। चलिए भाई जल्दी सभी से सभी लोग जुड़ जाइए। और पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, शोधकर्ताओं ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चे की जो सूर्य होता है, सूर्य का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे जो ऊपरी लेयर है इसकी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। क्रोमोस्फेयर जो इसकी सबसे बाहरी सतह होती है, इसका भी टेम्परेचर बच्चे आपका 2600 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है, ठीक है। 2600 डिग्री सेल्सियस और 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्लैक स्पॉट का 2600 डिग्री सेल्सियस और आपका बच्चे रेड स्पॉट का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सूर्य की सतह पर क्या होते हैं बच्चे, सूर्य की सतह पर आग भभकती रहती है। अब सूर्य तो बच्चे गैसेस मटेरियल है, ये किसका बना हुआ बच्चे, ये गैस का बना हुआ है। और यहाँ पर बच्चे आग की जो लपटें रहती हैं वो ऊपर की तरफ उठती रहती है। जैसे मैंने बताया बच्चे, ज्वालाएं ऊपर की तरफ उठती रहती है और इसमें से बच्चा जो ज्वालाएं निकलती है सूर्य के ग्रेविटी फोर्स की वजह से ये फिर से वापस आती है। और जब ये वापस आती है बच्चे तो एकदम टूटते हुए तारे की तरह प्रतीत होती है। ये जो बच्चा सूर्य से उठने वाले तूफान है, ये सूर्य के ग्रेविटी फोर्स जब खींचे जाते हैं अंदर की तरफ, तो ये फिर से टूटते हुए तारे जैसे प्रतीत होते हैं ना, उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है। अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, ये जो खोज है ये एक सोलर ऑर्बिटर नाम के सेटेलाइट से हुई है। किससे हुई है बच्चे? सोलर ऑर्बिटर नाम के सेटेलाइट से हुई है। अब आपने बताना बच्चे, ये जो सोलर ऑर्बिटर सेटेलाइट है इसको कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया, इसको कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया? नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या जाक्सा? चलिए साक्षी चौधरी का आंसर आ चुका है सी, अमर भीम का आंसर है बी और अमित एंटरटेनमेंट। भाई आंसर करना स्टार्ट कीजिए सभी लोग। रबिया बश्री, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई चलिए जल्दी से आप लोग बच्चे आंसर करना स्टार्ट कीजिए। यहां पर ध्यान देना बच्चे, साक्षी चौधरी का आंसर आया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ये बच्चे आपका करेक्ट आंसर भी रहेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी आपको पता होगा बच्चे इसकी स्थापना कब हुई थी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना एस्टैब्लिशमेंट इसका कब हुआ था बच्चे, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, है ना। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में। जैसे बच्चे आप देखेंगे अपनी जो स्पेस एजेंसी है यानी कि इंडिया की स्पेस एजेंसी, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी बच्चे, इसकी स्थापना एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था बच्चे, इसका 1969 में हुआ था। कब हुआ था इसका, 1969 में हुआ था। और हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है बच्चे, इसके प्रेसिडेंट एस सोमनाथन है। कौन है बच्चा, एस सोमनाथन, ये इसके प्रेसिडेंट है। इसी तरीके से आप देखेंगे बच्चे जो सबसे पुरानी स्पेस एजेंसी है बच्चे वो आपकी कौन सी है, आज सीएपीएफ एसी का एग्जाम था भाई, सर एग्जाम के बाद क्लास लेते हैं, एग्जाम है बच्चे क्या किसी का, कुछ बच्चों का एग्जाम है आज, इसरो 1969, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला प्रश्न है बच्चे, किस देश ने कंप्यूटर के लिए ओपन कैलिन नामक एक पहला घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ओपन कैलिन क्या है बच्चे, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे बच्चे देखेंगे अगर हम फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अगर फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें बच्चे, तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था बच्चे, आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा बच्चे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बच्चे किसने लॉन्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, ठीक है।
तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। आज के टाइम में बच्चे जो सबसे पॉपुलर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा बच्चे? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। भैया माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी बच्चा 1975 में, ठीक है। ये बच्चे लॉन्च करता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या बनाता है बच्चे? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। और ये बच्चे ध्यान देना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करते तब इसकी मोनोपोली थी इस पे। इस पे क्या थी बच्चे? मोनोपोली थी, क्योंकि उस समय कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, है ना। तो यहां पर बच्चे जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर है पॉल एलन, कौन बच्चा? पॉल एलन और कौन? बिल गेट्स। ये बहुत पैसे कमाते हैं, क्योंकि बच्चे कंपटीशन में कोई था ही नहीं, कंपटीशन में कोई था ही नहीं, तो ये बहुत पैसे भी कमाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बच्चे जिसके प्रेजेंट में सीईओ कौन है बच्चा? सीईओ आप देखेंगे, सीईओ कौन है बच्चा माइक्रोसॉफ्ट के? तो सीईओ है सत्या नडेला। कौन है बच्चा? सत्या नडेला इसकी सीईओ है, जो कि एक भारतीय मूल से है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट का ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद से बच्चे ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। जैसे बच्चे 1976 में कौन आ जाता है? 1976 में एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चे? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, क्योंकि 1976 में एप्पल की स्थापना हो जाती है। इसकी स्थापना कौन करते हैं बच्चे? इसकी स्थापना करते हैं स्टीव जॉब्स। कौन करता है बच्चे? स्टीव जॉब्स इसकी स्थापना करते हैं। और ये बच्चे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लॉन्च करते हैं? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा बच्चे? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चे ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था बच्चे? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफी कॉस्टली था, है ना। मुझे थोड़ा सा जुकाम की प्रॉब्लम है ना, कोल्ड की, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा सभी लोग। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार आते रहे। उसके बाद बच्चे आप देखेंगे गूगल आ जाता है ना। गूगल की स्थापना बच्चे कब हो जाती है? गूगल की स्थापना हो जाती है 1998 में गूगल की स्थापना होती है। और बच्चे गूगल की स्थापना कौन करता है? इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर बच्चे थे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। और कौन था बच्चे? और सर्जे ब्रिन थे, सर्जे ब्रिन। ये दो बंदों के द्वारा बच्चे जो है इसकी स्थापना की जाती है। और 2006 में बच्चा ये अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर देता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चा? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चे आज के टाइम में सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लगभग 90% यूजर जो है ना, लगभग 90% यूजर बच्चे आपको कौन से मिलेंगे? आपको लगभग 90% यूजर जो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के मिलेंगे, ठीक है। यहां पर बात हो रही है बच्चे, अब देखो गूगल कितना ज्यादा पैसे कमा रहा है, क्योंकि मैंने बताया लगभग 90% यूजर्स गूगल के हैं। तो अब चाइना जैसे बड़े देश, अगर वो सोचते हैं, हम मान लेते हैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं, अगर हमारे ही देश के लोगों ने यूज कर लिया उसको, तो तब भी उसके काफी यूजर्स हो जाएंगे। जैसे भारत बच्चे बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली देश है, अगर ये मान लेते हैं कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करते और इनके सिर्फ देश के नागरिक इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते, तब भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ज्यादा आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, भारत का अपना स्वयं का जो है खुद का अपना है, ठीक है, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है इंडिया का। और इंडिया का बच्चे कौन से? इंडिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे वो किसने लॉन्च किया? वो मद्रास आईआईटी ने लॉन्च किया। अभी बच्चे देखेंगे 2023 में इसको लॉन्च किया गया मद्रास आईआईटी के द्वारा, मद्रास आईआईटी ने। बच्चे अब हमारा खुद का जो घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे वो कौन सा है? वो है भार ओएस। कौन सा है? भार ओएस। ये हमारा खुद का बच्चे भारत देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही बच्चे चाइना ने भी ओपन कालिन, किसने बच्चा? चाइना ने ओपन कालिन नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। काजल पांडे दी, आज आपका एग्जाम है। शैली चौधरी, जय हिंद बच्चे। सभी लोग भाई लगातार आंसर करते रहेंगे। कृष्ण कुमार जी, जय हिंद बच्चा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओपन कालिन 1.0 लिनक्स बेस्ड एक क्या है आपको बच्चे? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात हो रही है बच्चे। किसकी? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बच्चे ये इस बार आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है बच्चे? क्योंकि इस बार आपको पता होगा बच्चा, इंडिया की पॉपुलेशन ने किसकी पॉपुलेशन को डिफीट कर दिया है? चाइना की पॉपुलेशन को क्या कर दिया बच्चे? डिफीट कर दिया है। इंडिया की पॉपुलेशन 142.86 करोड़ हो गई है
और चाइना बच्चा पीछे हो गया हमसे 142.57 बच्चे, ये किसकी है, ये चाइना की है। तो ये इंडिया ने बच्चे जब चाइना को पॉपुलेशन में डिफीट किया है तो मे भी इससे प्रश्न बन सकता है। तो भाई जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। शैली साक्षी चौधरी जी का आंसर आ रहा है 11th of July, काजल पांडे जी का 11th of July, बहुत अच्छे बच्चे। आंसर क्या हो जाएगा आपका 11th of July, 11th of July को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। और बच्चे इसका थीम क्या है, अनलीजिंग, इसका थीम है अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन्स, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स टू। ट्विटर को टक्कर देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड नामक एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, किसको टक्कर देने के लिए बच्चे, ट्विटर को टक्कर देने के लिए। और ट्विटर बच्चे आप पता होगा, ट्विटर जो है इसके ऑनर कौन है प्रेजेंट में, इसके ऑनर है प्रेजेंट में बच्चा एलन मस्क। कौन है बच्चा, एलन मस्क इसके ऑनर है। और बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी सीई कौन है, सीईओ, तो लिंडा याकारिनो इसकी क्या है बच्चे, सीईओ है। कौन है बच्चा, लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, 2022 तक इसके सीईओ कौन थे, 2022 तक इसके सीईओ भारतीय मूल के पराग अग्रवाल जी थे। कौन था बच्चे, पराग अग्रवाल। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, एलन मस्क के द्वारा, एलन मस्क के द्वारा पराग अग्रवाल को रिमूव किया गया और खुद बन गए सीईओ। उसके बाद अपने के बाद मतलब बच्चा लिंडा याकारिनो को बना देते हैं, क्योंकि इनको लगता है बच्चे इनके पास ढेर सारी कंपनी है तो ये हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने लिंडा याकारिनो को अपना सीईओ बना दिया। अब बच्चे ट्विटर को टक्कर देने के लिए, क्योंकि बच्चे इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, है ना, तो ट्विटर को बच्चे टक्कर देने के लिए कौन सी कंपनी ने थ्रेड नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और ये बच्चे कैसा है, जस्ट बी लाइक ट्विटर, जस्ट बी लाइक ट्विटर, बिल्कुल बच्चे ट्विटर की तरह है, बिल्कुल ट्विटर की तरह बच्चे इसके फंक्शंस हैं। तो ट्विटर को बच्चे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे सभी लोग, सभी लोग भाई जल्दी से आंसर करेंगे। सर ये सारे क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल हो गए, इसीलिए हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को बच्चे, ठीक है, आपका ये वीकली रिवीजन का क्लास है, हम लोग बस फास्ट क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है, सभी लोग भाई आंसर करते रहेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया बच्चे वीकली रिवीजन है, तो वीक में जितने भी प्रश्न हम लोगों ने पढ़े उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे बस, ठीक है। ए आंसर आ रहा है, मोस्टली बच्चों ने ए को आंसर किया, मेटा, बहुत अच्छे बच्चे। मेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, फेसबुक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, इसको फेसबुक भी बोलते हैं। और MIT के दो स्टूडेंट्स ने बच्चे 2004 में इसको एस्टैब्लिश किया था, कब एस्टैब्लिश किया था बच्चे, इसको 2004 में एस्टैब्लिश किया था, ठीक है, मार्क जुगरबर्ग ने, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत की अध्यक्षता में आयोजित 23वें संघाई शिखर सम्मेलन 2023 में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। यहां पर ध्यान देना बच्चे, 23rd शंघाई कोऑपरेशन, 23rd शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई शिखर सम्मेलन, तो आप ये कह सकते हो बच्चे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट हुआ है, यानी कि बच्चे जो शिखर सम्मेलन हुआ है, शंघाई का जो शिखर सम्मेलन हुआ है बच्चे, इस शिखर सम्मेलन में बच्चे गेस्ट कंट्री के रूप में किसे बुलाया गया है, क्योंकि बच्चे जो शंघाई शिखर सम्मेलन है ये कहां पर होगा बच्चे, SCO का शिखर सम्मेलन 2023 में होस्ट कौन करेगा बच्चे, इसको होस्ट करेगा इंडिया, कौन होस्ट करेगा बच्चे, SCO को इंडिया होस्ट करेगा। अभी आपने बताना है बच्चे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट होने वाला है, यानी कि शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसमें भारत देश बच्चे इनमें से कौन से देश को एज ए गेस्ट कंट्री बुला रहा है, जल्दी से आंसर करेंगे भाई सभी लोग। शंघाई कोऑपरेशन बच्चे जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई, SCO की स्थापना 2001 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चीन में इसका क्या है बच्चे, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2017 में बच्चे भारत इसको ज्वाइन करता है, 2017 में भारत जुड़ता है, भारत और पाकिस्तान ये दोनों जुड़ते हैं, भारत और पाकिस्तान जुड़ते हैं, ठीक है, जल्दी से भाई आंसर करेंगे। अभी यहां पर ध्यान बच्चे 2023 में इसकी जो समिट होने वाली है वो भारत में होने वाली है, और इसमें गेस्ट के रूप में तुर्कमेनिस्तान को बुलाया जा रहा है,
किसको मिला आंसर है भाई? काजल पांडे जी, काजल पांडे जी गलत हो गया आपका आंसर। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर बच्चे, ए आपका राइट आंसर है। कुछ बच्चों ने सी को आंसर कर दिया तो सी बच्चे आपका आंसर नहीं रहेगा, ए आपका आंसर, यानी कि तुर्कमेनिस्तान को बच्चे एज ए गेस्ट कंट्री बुलाया गया। चलिए, विदेशी श्रमिकों के लिए किस देश ने जून 2023 में डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? विदेशी श्रमिकों के लिए, विदेशी श्रमिकों का मतलब समझ रहे ना बच्चे, जो अन्य देशों से कार्य करने लोग आते उन कार्य करने वाले लेबर्स के लिए बच्चे खानाबदोश रणनीति डिजिटल नोम स्ट्रेटजी शुरू की है। इनमें से किस देश के द्वारा बच्चे माइग्रेटेड लेबर्स जो होते हैं, जो माइग्रेटेड लेबर्स होते हैं बच्चे, उनके लिए स्पेशली उनके लिए एक डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? जल्दी से भाई सभी लोग आंसर करेंगे। उज्बेकिस्तान, जल्दी से आंसर कीजिए भाई सभी लोग। माइग्रेटेड पीपल्स के लिए, यानी कि बच्चे जो बहुत सारे देश से लोग आते हैं कार्य करने के लिए, है ना, जैसे कि आप देखेंगे सऊदी अरब में बच्चे बहुत सारे भारतीय कार्य करते हैं, अमेरिका और कनाडा में भी आप देखेंगे सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा कार्य करने के लिए जाती है। तो यहाँ पर बच्चे जो माइग्रेटेड लेबर्स होते हैं उनकी खानाबदोशी के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया। कहां पर बच्चे? कनाडा में, कनाडा में सिखों के द्वारा बच्चे ये जो है शुरू किया गया। अगला प्रश्न क्या रहेगा? खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना, दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है अनाज का भंडारण करने के लिए? एक्चुअली बच्चे आप देखेंगे कोविड के टाइम में ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी सारे देशों को, जिनके पास बच्चे अनाज के भंडारण पहले से थे वो देश तो बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाए, लेकिन कुछ देश जैसे अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये बच्चे कोविड 19 के टाइम में अब भूख से मरने की हालत में पहुंच चुके थे। वो तो भारत के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा बच्चे इनकी मदद की गई। तो आने वाली बच्चे आने वाले भविष्य में अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास अनाज का अच्छा भंडारण होना चाहिए, ठीक है? तो किसी भी देश के पास अनाज का बढ़िया भंडारण होना चाहिए, बड़ा भंडारण होना चाहिए। अब यहां पर आपसे क्या कह रहे हैं बच्चे? खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए, यानी कि खाद्यान्न भंडारण क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है? भारत। बहुत अच्छे बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत। पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? यहां पर ध्यान देना बच्चे, गोबर को मैनेज करने के लिए, यानी कि मवेशियों का जो बच्चे गोबर होता है, जो मवेशियों का गोबर होता है, एक्चुअली बच्चे इस गोबर से, इस गोबर को बच्चे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चे? किसानों से अच्छे दामों में खरीदेगी, किसानों से क्या करेगी बच्चे? अच्छे दामों में खरीदेगी, ठीक है? तो यहां पर बच्चे किसानों को बेनिफिट होगा जब किसान से डायरेक्ट गोबर खरीदा जाएगा। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चे? इससे, इस गोबर से क्या करेगी बच्चे? मीथेन गैस का निर्माण करेगी, मीथेन गैस का निर्माण करेगी, और बच्चे इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करेगी, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करेगी। और बच्चे यहां पर ध्यान देना, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का निर्माण करेगी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का निर्माण करेगी। तो बच्चे इस गोबर की सहायता से ये ढेर सारी चीजें बनाई जाएंगी, मीथेन गैस यानी कि नेचुरल गैस बनाई जाएगी गोबर गैस, गोबर गैस प्लांट से, इलेक्ट्रिसिटी से जो है इसका निर्माण किया जाएगा, और ऑर्गेनिक खाद का निर्माण किया जाएगा, और फिर इन सारी चीजों को बच्चे किसानों को सस्ते दामों में प्रोवाइड किया जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के गोबर को यूटिलाइज करने के लिए, गोबर को यूटिलाइज करने के लिए और इससे किसानों को थोड़ा सा बेनिफिट देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई बच्चे? गोबर धन योजना, काउ डंग योजना इसको बोलते हैं, ठीक है, काउ डंग योजना। चलिए बहुत अच्छे भाई, अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को लेकर, सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को लेकर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से किस देश का नाम हटा दिया है? किस देश का नाम हटा दिया? तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, यहां पर शब्द जो यूज किया है सशस्त्र संघर्ष, है ना, सशस्त्र संघर्ष। और बच्चे यहां पर सशस्त्र संघर्ष किसके लिए बच्चा? बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा, बच्चों के द्वारा सशस्त्र संघर्ष। अब यहां पर जानना बच्चे, बच्चों के द्वारा सशस्त्र संघर्ष मतलब क्या होता है? कि बच्चों को मैनिपुलेट करके, बच्चों को मैनिपुलेट करके उनके हाथों में हथियार थमा देना, ठीक है? तो बच्चे कुछ देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ के यूथ को जो है
बलगला करके उनको बच्चे ब्रेन वॉशिंग करके क्या करते हैं, उनके हाथों में हथियार थमा देते हैं और उनको आतंकवाद की आग में झोंक देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, बहुत से देश ऐसे, भारत भी इसमें शामिल था, भारत भी इसमें शामिल था, क्योंकि बच्चे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर बच्चे खालसा टाइगर फोर्स और गजनवी टाइगर फोर्स, गजनवी फोर्स और गजनवी, अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, भारत में खालसा टाइगर फोर्स, खालसा टाइगर फोर्स और बच्चे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स, गजनवी फोर्स, इन दोनों के द्वारा बच्चे भारत में भी क्या किया जाता था, बच्चों को हथियार पकड़ा दिए जाते थे। जैसे कि आप देखेंगे बच्चे, कभी कभी कश्मीर में ऐसा भी होता था कि हमारे सेना को बच्चे बच्चों से लड़ना पड़ता था और फिर हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी रहती थी उन पर गोलियां चलाना, ठीक है, लेकिन उन बच्चों के पास कोई भी रहम दया नहीं होती थी, वो अपने सोल्जर्स पर गोलियां चलाते रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे बच्चों का ब्रेन वॉशिंग ही ऐसे किया जाता है, 72 हूरों का लालच दे करके इस तरीके से ब्रेन वॉशिंग किया जाता है कि वो हाथों में हथियार उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बच्चे भारत को भी जब से टाइगर फोर्स को खत्म कर दिया गया, क्योंकि बच्चे इन दोनों को अभी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, भारत सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित करके बच्चे इनको समाप्त कर दिया गया। और इनको जब से समाप्त किया गया बच्चे, भारत जो है इस लिस्ट से निकल गया है, इस लिस्ट से निकल गया, यानी बच्चे उन देशों से भारत का नाम हट गया है जिन देशों में बच्चों के द्वारा सशस्त्र संघर्ष किए जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा बच्चे सशस्त्र संघर्ष जो है बच्चों के द्वारा कहां पर किए जाते हैं, तो अफगानिस्तान में, अभी रिसेंटली बच्चे कहां पर किए जाते हैं, अफगानिस्तान में। गौ हत्या के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया, ऑपरेशन कन्विक्शन की बात हो रही बच्चे, अभी हम लोग नए प्रश्नों को भी देखेंगे, फिलहाल अभी वीकली रिविजन पर फोकस करते हैं, जल्दी से आप हर मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं और जल्दी से 50-60 क्वेश्चन ये देख लेते हैं और उसके बाद नए प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। चौधरी अतुल सिंह, ए आंसर आएगा, ए गौ हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन कन्विक्शन बच्चे इसका मोटो क्या रहेगा बच्चे, इसका मोटो रहेगा सबसे पहले चीज तो बच्चे गौ हत्या को समाप्त करना, किसको समाप्त करना बच्चे, काउ स्लॉटरिंग को समाप्त करना, काउ स्लॉटरिंग को समाप्त करना बच्चे, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे लूटपाट को समाप्त करना, लूटपाट को समाप्त करना, लूटपाट को समाप्त करना, वुमेन्स अब्यूजिंग, वुमेन्स अब्यूजिंग को समाप्त करना, मतलब बच्चे हर प्रकार के क्राइम को कम करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया। लेकिन खासकर बच्चे इसका फोकस किस पे रखा है, ज्यादा फोकस इसका बच्चे किस पे रहेगा, काउ स्लॉटरिंग पे रहेगा, काउ स्लॉटरिंग को, काउ स्लॉटरिंग के खिलाफ या काउ स्लॉटरिंग को समाप्त करने के लिए कौन सी राज्य सरकार के द्वारा, कौन सी राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन को शुरू किया गया। बहुत अच्छे भाई, आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बच्चे शुरू किया गया। कामकाजी महिलाओं को रात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने पेंगल पाथु कार्तू थिट्टम नामक योजना शुरू की है, यानी कि बच्चे वो महिलाएं जो रात्रि में काम करती है, रात में जॉब करने वाली, रात में जॉब करने वाली, रात में नौकरी करने वाली महिलाएं, रात में नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए, नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए, रात में नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए, अब ध्यान देना बच्चे, रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए और साथ में अगर बच्चे किसी भी महिला को अगर रात में कोई तकलीफ होती आने जाने में, आने जाने का मतलब बच्चे मान लेते हैं उसको मॉल वगैरह से आने में या कहीं पर भी वो गई है अपने रिश्तेदारी में, कहीं पर भी अगर उनको वापस आने में रात हो जाती, तो ऐसे में बच्चे रात 10 से सुबह 6 बजे तक, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक बच्चे इस समय में जो कि एक सेंसिटिव टाइम होता है महिलाओं के लिए, सेंसिटिव टाइम होता है बच्चे, इस टाइम में उन महिलाओं को बच्चे सबसे पहली चीज तो बच्चे एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करना, जैसे यूपी में 1092 बच्चे, वैसे ही यहाँ पर बच्चे कौन सा नंबर दिया गया, 1091 हेल्पलाइन नंबर दिया गया, मतलब किसी भी महिला को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो 1091 नंबर पे कॉल करेगी, अगर उसके पास पैसे भी नहीं है घर जाने के तो बच्चे क्या करेगी, यहाँ की पुलिस जो है राज्य की पुलिस महिला को उसके घर छोड़ के आएगी
और अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसको, तो उसका निपटारा तुरंत करेगी। तो कुल मिलाकर के बच्चे जो रेप इत्यादि होते हैं, जो महिलाओं के साथ लूटपाट होते हैं, जो उनकी ज्वेलरी वगैरह लूट ली जाती है, उसको कम करने के लिए पोंगल पातुकातु थित्तम, पोंगल पातुकातु थित्तम नामक जो है बच्चे एक योजना शुरू की गई है, ठीक है। और ये योजना कहाँ पर शुरू की गई बच्चे? तमिलनाडु में। कहाँ पर बच्चे? तमिलनाडु में। क्योंकि बच्चे आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये दक्षिण भारतीय नाम है ना, दक्षिण भारतीय नाम है, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चे। 2023 में पुस्तक कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? हिंदी भाषा का बच्चे बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा में बच्चे इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है कौतुक ऐप। रचना इनकी कौन सी बच्चे? इनकी रचना है कौतुक ऐप। और कौतुक ऐप बच्चे जैसा कि आपको पता होगा, मैंने बताया था कि ये बच्चों की कहानियां है। क्या है बच्चा? बच्चों की कहानियां है इस ऐप, इस पुस्तक में। ये कोई आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है बच्चे। क्या है? ये कहानियों का एक संग्रह है, जिसको क्या बोला गया बच्चे? जिसको कौतुक ऐप बोला गया। और ये पुस्तक बच्चों को इतनी पसंद आई है कि इसको बच्चे हिंदी का क्या मिला है बच्चे? साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया बच्चे? साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। तो जल्दी से बच्चे आप लोग आंसर करेंगे कि ये जो पुस्तक है बच्चे किसके द्वारा लिखी गई, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सूर्यनाथ सिंह, सुधा मूर्ति, उदय शंकर या मधुसूदन बिष्ट, इनमें से किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? चौधरी अतुल सिंह का आंसर, शैली चौधरी का, अमर भीम का, मोस्टली बच्चों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बच्चे। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये सूर्यनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा बच्चे? सूर्यनाथ सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे कौन सी भाषा में किसको बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। हिंदी में जैसे बच्चे किसको दिया गया है? हिंदी में दिया गया है, हिंदी में किसे दिया गया बच्चे? हिंदी में सूर्यनाथ सिंह को दिया गया, सूर्यनाथ सिंह को दिया गया बच्चे। और उनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है बच्चे कौतुक ऐप। कौन सी? कौतुक ऐप। तो इसी तरीके से बच्चे आप अन्य भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर 6 अन्य भाषाओं में भी दिए गए हैं। जैसे बच्चे सुधा मूर्ति को दिया गया है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, यानी कि बच्चे इंग्लिश के लिए दिया गया। किसके किसके लिए? इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी भाषा का बच्चे जो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो सुधा मूर्ति को दिया गया। किसे दिया गया? सुधा मूर्ति को। पंजाबी भाषा में बच्चे किसे दिया गया? गुरमीत कड़ियालवी को दिया गया बच्चे, इनकी पुस्तक के लिए सच्ची दी कहानी के लिए, ठीक है। उर्दू भाषा का, क्योंकि बच्चे एग्जाम में कोई भी भाषा का पूछ सकता है, तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे टोटल 6 भाषाओं में दिया जाता है। और ये बच्चे उर्दू भाषा के लिए किसको दिया गया? स्वर्गीय मतीन अचालपुरी जी को दिया गया, ममता की डोर के लिए, ठीक है। और संस्कृत भाषा का बच्चे, संस्कृत भाषा का राधा वल्लभ त्रिपाठी को दिया गया बच्चे, मानवी उपन्यास के लिए। और मलयालम का बच्चे प्रिया ए एस को दिया गया है, पेरू मालेते कुंजी थलुकम के लिए, थलुकल के लिए, ठीक है। ये मलयालम भाषा का है। और यहाँ पर ध्यान देना बच्चे कि जो और एक अवार्ड है जो लिटरेचर में दिया जाता है भारत में, गोल्डन बुक अवार्ड, गोल्डन बुक अवार्ड बच्चे, गोल्डन बुक अवार्ड किसे दिया गया? गोल्डन बुक अवार्ड जो है ये राखी कपूर जी को दिया गया। किसको दिया गया? राखी कपूर जी को दिया गया। इनकी कौन सी रचना के लिए? नाउ यू ब्रीथ के लिए। किसके लिए बच्चे? नाउ यू ब्रीथ के लिए, ठीक है, नाउ यू ब्रीथ के लिए। केंद्र सरकार ने युवा पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर किस पहल को शुरू किया है? यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ये क्या है बच्चे? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म बच्चे? गॉट कर्मयोगी, गॉट कर्मयोगी। तो गॉट कर्मयोगी पर बच्चे, गॉट कर्मयोगी पर एक इनिशिएटिव शुरू किया गया। किसके लिए बच्चे? स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चे। और ये स्किल डेवलपमेंट किसका रहेगा बच्चे? ये केंद्र सरकार ने युवा पेशेवर, पेशेवर का मतलब क्या होता है बच्चे? जो उस प्रोफेशन में ऑलरेडी है। जैसे मान लेते बच्चे आपने क्लर्क की जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब में आपने क्लर्क की जॉब कर रखी है, और क्लर्क में बच्चे अगर आप कोई स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, या फिर आप मेंटेनर हैं, या फिर आप ट्रैक कुछ भी है, कोई भी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, और उस प्रोफेशन को और बेहतर करना चाहते हैं, तो बच्चे यहाँ पर आपके प्रोफेशन को और स्किल्ड बनाने के लिए, आपके प्रोफेशन को
और अधिक स्किल्ड बनाने के लिए बच्चे स्किल डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और ये बच्चे इनिशिएटिव कौन सा है, सभी लोग भाई आंसर करेंगे कौन से इनिशिएटिव को, मित्रा, ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है मित्र। चलिए भाई सभी लोग आंसर करेंगे बच्चा, यहाँ पर ध्यान देना, ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ बच्चे, कौन सा इनिशिएटिव है, दक्षता, ये आपको बच्चे एक बार और पढ़ा चुके हैं, है ना। और देखिए पढ़ने के बावजूद आपसे गलत हो रहा है, दक्षता, दक्ष, दक्ष बनाने का मतलब होता है बच्चे कौशल को बेहतरीन बनाना, है ना। जब दक्ष आप कब होते हैं किसी भी कार्य में, आप दक्ष कब होते हैं किसी भी कार्य में, जब उसको बार बार करते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, दक्षता नाम का जो है ये आपका एक योजना शुरू की गई है स्किल डेवलपमेंट के लिए, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री, फिनलैंड के लिए, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया, फिनलैंड बच्चे, फिनलैंड आपको पता होगा ये अभी हाल ही में 31st मेंबर बन चुका है, 31st मेंबर ऑफ नाटो, नाटो में बच्चे इसलिए अभी हाल ही में शामिल हुआ है। और ये क्या है बच्चे, ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना, कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि बच्चे पूरे विश्व में ये सबसे खुशहाल देश है, ये सबसे खुशहाल देश माना जाता है फिनलैंड। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए, लियो वराटकर, पिटेरी ओरपो, एरियल हेनरी, इब्राहिम राइसी, इनमें से किसे, इनमें से किसे बच्चे फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया, फिनलैंड बच्चे, फिनलैंड जिसकी कैपिटल क्या बच्चे, कैपिटल इसकी हेलसिंकी है, क्या बच्चे, हेलसिंकी इसकी कैपिटल है, ये इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, फिनलैंड जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है, यहाँ के प्रधानमंत्री बच्चा कौन चुनेंगे, पेट्री ओरपो, कौन चुनेंगे बच्चे, पेट्री ओरपो, चौधरी अतुल सिंह का आंसर पेट्री ओरपो, और मोस्टली बच्चों ने भाई यही आंसर किया है, बहुत अच्छे भाई, पेट्री ओरपो क्या हो जाएगा बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चे, वित्त मंत्रालय द्वारा 2023 में लॉन्च की गई विवाद से विश्वास, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है, एक योजना बच्चे केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, विवाद से विश्वास नाम का क्या शुरू किया गया बच्चे, एक इनिशिएटिव शुरू किया गया विवाद से विश्वास। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, ये विवाद से विश्वास जो इनिशिएटिव शुरू किया गया, ये इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, चलिए, चौधरी अतुल सिंह रावण का, Why India is not in the category of happiest country? Sir, देखिए इंडिया में आप देखेंगे ऐसा नहीं कि आपकी इकोनॉमी सही नहीं है, आपकी इकोनॉमी भी बेहतर है, आपकी इकोनॉमी क्या है, बेहतर है, ठीक है, आपका जो हेल्थ सेक्टर है, आपका हेल्थ सेक्टर भी बेहतर है, हेल्थ सेक्टर भी बेहतर है, आपका एजुकेशन सेक्टर जो है, एजुकेशन सेक्टर भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा पुअर नहीं, पाकिस्तान वगैरह से तो बहुत ज्यादा बेहतर है हम लोग, टेक्नोलॉजी में भी बेहतर है, टेक्नोलॉजी में भी बेहतर है, लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर है हमारा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर है, लेकिन समस्या जानते हैं क्या है, ये जो बेहतर है बच्चे ये कुछ ही लोगों का बेहतर है, भारत में पैसा तो है लेकिन कुछ ही लोगों के पास पैसा, हेल्थ सेक्टर बेहतर है, हेल्थ सेक्टर बेहतर है लेकिन कागजों पर ही बेहतर है, एजुकेशन भी बेहतर है, एजुकेशन भी बेहतर है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हम लोग, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकालती है ना। टेक्नोलॉजी भी बेहतर है, टेक्नोलॉजी भी बेहतर है लेकिन हमारे देश के जो बेहतर इंजीनियर्स होते हैं, बेहतर डॉक्टर होते हैं, उनको फॉरेन में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर है, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है लेकिन कुछ ही लोगों का, कुछ ही लोगों का मतलब है बच्चे कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है वो कुछ ही लोगों के पास है, हमारे यहाँ का टोटल GDP है वो बहुत कम लोगों के पास है, उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पूरी पब्लिक में, डिस्ट्रीब्यूशन हो एक प्रकार से, तो वो बेहतर हो सकता है, ठीक है, तब हम खुशहाल देशों में आ सकते हैं। तो फैक्टर्स जो रहते बच्चे खुशहाली के वो हमारे ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ वो भी बेहतर है हमारी, लेकिन बच्चे फिर भी हम खुशहाल नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बच्चे हमारी GDP जो है कुछ ही लोगों के पास है। तो विवाद से विश्वास बच्चे ये जो योजना है 2019 में यानी कि बच्चे 2019 में किसकी वजह से, COVID-19 की वजह से हुए नुकसान को, हुए नुकसान की भरपाई के लिए, हुए नुकसान अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, 2019 में जब कोविड आता है ना तो उस समय जो हमारा MSME डिपार्टमेंट रहता है, हमारा जो MSME मंत्रालय रहता है वो हमेशा से GDP बच्चे क्या करता है, GDP में ढेर सारा कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन 2019 में जब कोविड-19 आता है
तो एमएसएमई मंत्रालय उतना जो है बच्चे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता, जिसकी वजह से बच्चे उसको प्रेरित करने के लिए नुकसान नुकसान को नुकसान को कम करने नुकसान को कम करने कम करने और एमएसएमई की और एमएसएमई की हौसला अफजाई के लिए कि भाई हौसला मत तोड़िए, ये कोविड 19 का समय था, सभी का नुकसान हुआ है। हौसला अफजाई के लिए विवाद से विश्वास नामक एक इनिशिएटिव जो है शुरू किया गया, मतलब विवाद करने से कोई मतलब नहीं, विश्वास रखिए और ये आगे चल करके फिर वैसे ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा जैसे अभी तक करता आया है, ठीक है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कोविड 19 महामारी के दौरान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास को राहत नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। यानी कि बच्चे एमएसएमई को थोड़ा सा यहाँ पर टाइम दिया गया है कि कोई बात नहीं, अगर आप आप जो है यहाँ से ग्रोथ नहीं दे रहे हैं अभी कोविड 19 की वजह से, तो धीरे धीरे आपके पास समय है, अभी आप और समय लेकर के बेहतर तरीके से स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको जो है उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा कि भाई आपने कोविड 19 में जो है आउटपुट क्यों नहीं दिया। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया, लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023, ये जो अवार्ड है बच्चे ये स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है बच्चे, स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है। और आपको पता होगा बच्चे ये कौन से स्पोर्ट्समैन को दिया गया, ये दिया गया बच्चे आपके आर्मेंडा माराडोना, लियोनेल मेसी, मुख्तार डहारी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनमें से किस क्रिकेटर को, इसमें से किस खिलाड़ी को, इसकी डेवलपमेंट नहीं है इंडिया में, इसकी डेवलपमेंट तो वही कम है। इसकी डेवलपमेंट कम क्यों है, क्योंकि हम लोग बच्चे एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को समझते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा से यही बिठा दिया जाता है कि रोजगार का मतलब होता है सरकारी नौकरी, इस वजह से बच्चे थोड़ा सा इसकी डेवलपमेंट में हम लोग पीछे हैं। चलिए भाई आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से, बी को लॉक किया जाए, बी बोले तो बच्चा लियोनेल मेसी, बहुत अच्छे बच्चे, यहाँ पर ध्यान देना बच्चे लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी जो कि कहाँ के खिलाड़ी बच्चे, अर्जेंटीना के खिलाड़ी, अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। और बच्चे इनको फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 भी चुना गया था, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 भी चुना गया था। और बच्चे इनको बायजूस का क्या बनाया गया बच्चा, बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, बायजूस का क्या है बच्चे, ये ब्रांड एम्बेसडर है लियोनेल मेसी। चलिए अगले प्रश्न पर आते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, 42वां शिखर सम्मेलन। और बच्चे किसका शिखर सम्मेलन है, ये एशियन का शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, एशियन का शिखर सम्मेलन, एशियन बच्चे जो कि आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये क्या बच्चे इसका फुल फॉर्म है। और इसके फुल फॉर्म से पता हो रहा है बच्चे कि ये कौन से देशों का समूह है, ये साउथ ईस्ट के जो एशिया के देश है बच्चे उनका समूह है। और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चे, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में, कहां पर है बच्चे, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है एशियन का, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, एशियन का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है 2023 का, एशियन समिट 2023 बच्चे ये कहां पर आयोजित की जाएगी, इसका जो शिखर सम्मेलन होगा बच्चे 2023 में ये कहां पर होगा, डी आंसर आ रहा है, डी बोले तो बच्चा इंडोनेशिया में, बहुत अच्छे बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स का बच्चे कहां पर होगा इस बार, ब्रिक्स समिट 2023 कहां पर होगी, तो बच्चे ब्रिक्स का जो 2023 का समिट है ये कहां पर होगा, ये साउथ अफ्रीका में होगा, ये कहां पर होगा बच्चे, साउथ अफ्रीका में होगा। और यहां पर ध्यान देना बच्चे, क्वाड का कहां पर होगा, क्वाड समिट 2023 ये कहां पर होगा, क्वाड बच्चे इंडिया में होगा, क्वाड कहां पर होगा, इंडिया में होगा। एससीओ का कहां पर होगा बच्चे, एससीओ का
एससीओ यानी कि बच्चे शंघाई कोऑपरेशन का कहां होगा, अभी मैंने बताया था एससीओ का कहां पर होगा बच्चे, एससीओ का इंडिया में होगा। और नाटो का कहां पर होगा बच्चे, नाटो का लिथुआनिया में होगा। नाटो का कहां पर होगा बच्चे, नाटो का लिथुआनिया में होगा। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, इनके शिखर सम्मेलन आपको याद रखना है, किसका शिखर सम्मेलन कहां पर होगा। थीम क्या है बच्चे, इसका थीम भी याद रखिएगा, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का बच्चे स्थापना कब हुआ था, जैसा मैंने बताया 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका जकार्ता में, अध्यक्ष इसके कौन है बच्चे, ली सिन लुंग है, और इसके महासचिव लिम जो खोई है। सदस्य देश कितने, 10 सदस्य देश है, और ये सभी 10 सदस्य देश बच्चे साउथ ईस्ट एशिया से है। कहां से बच्चे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। चलिए अगले प्रश्न पर आते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है। यहां पर ध्यान देना बच्चे, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय गाना, ऑस्कर अवार्ड जिसको बच्चे आप अकेडमी पुरस्कार भी बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बच्चे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड बच्चे किसने जीता है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। और इससे आसान प्रश्न बच्चा नहीं हो सकता है, मुझे लगता है करंट अफेयर का है ना। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है भाई, बहुत अच्छे बच्चे, किसने जीता है, नाटू के द्वारा जीता गया। ये किसके द्वारा जीता गया बच्चे, नाटू। और बच्चे यहां पर ध्यान देना, इसको गाया किसने, नाटू को गाया किसने बच्चे, तो यहां पर सिंगर का नाम नोट कर लीजिएगा, सिंगर कौन है बच्चे, सिंगर है किरवानी। क्या बच्चे, इसके सिंगर है। मूवी कौन सी बच्चे, इसकी मूवी है RRR, कौन सी बच्चे, RRR है। और यहाँ पर बच्चे इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, इस मूवी के डायरेक्टर है SS राजामौली। कौन है बच्चे, SS राजामौली इसके डायरेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे आप ऑस्कर अवार्ड में ये भी याद रखिएगा, भारत की एक और शॉर्ट फिल्म है बच्चे, उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एलिफेंट विस्परिंग को भी बच्चा क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड इनमें से किसे दिया गया, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023 ये किसे प्रदान किया गया बच्चे, ये सांख्यिकी का नोबल प्राइज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे इसको, नोबल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको बोला जाता है। ठीक है, सांख्यिकी का इसको क्या बोला जाता है बच्चे, नोबल प्राइज बोला जाता है। कृष्णा कुमार, जय हिंद। चलिए भाई जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। शिवम कुमार सीडियस, नींद आ रही क्या बच्चे, सांख्यिकी का नोबल पुरस्कार यहां पर देखेंगे बच्चे, जैसे कि एबल पुरस्कार जो है, एबल पुरस्कार को बच्चे, एबल अवार्ड को हम लोग क्या मानते बच्चे, मैथमेटिक्स का नोबल प्राइज मानते, किसका मानते बच्चे, मैथ का नोबल प्राइज मानते। ये किसको मिला था बच्चे, ये कैफरेली को मिला था, ये किसे मिला था बच्चे, ये कैफरेली को मिला था। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे जैसे बच्चे आपको पता होगा मार्कोनी अवार्ड को बच्चे हम लोग कंप्यूटर साइंस का मानते, किसका मानते बच्चा, कंप्यूटर साइंस का क्या मानते, कंप्यूटर साइंस का बच्चे नोबल प्राइज मानते। ये किसे मिला था बच्चे, ये बालकृष्ण जी को मिला था, किसको मिला था बच्चे, बालकृष्ण जी को मिला था। वुल्फ प्राइज को बच्चे, वुल्फ अवार्ड को हम लोग क्या मानते बच्चे, वुल्फ अवार्ड को हम लोग मानते हैं मेडिसिन का नोबल प्राइज, किसका बच्चे, मेडिसिनल साइंस का नोबल प्राइज मानते हैं वुल्फ अवार्ड को। और ये वुल्फ अवार्ड किसे मिला था बच्चे, ये डी डकर को मिला था, किसको मिला था बच्चे, डी डकर को मिला था। तो बच्चे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपका बच्चे एबल प्राइज क्या होता है, मैथ का नोबल प्राइज बोलते हैं, मार्कोनी अवार्ड को हम लोग कंप्यूटर साइंस का नोबल प्राइज बोलते हैं, वुल्फ अवार्ड को मेडिसिनल का हम लोग नोबल प्राइज बोलते हैं, वैसे बच्चे इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड को नोबल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चे, नोबल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और ये किसे मिला है बच्चा, कल्याणपुरी राधा कृष्णा राव, मनसुख भाई प्रजापति, शुभम धनंजय वनमाली, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। जल्दी से आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर मोस्टली ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चे, कल्याणपुरी राधा कृष्णा को बच्चे ये अवार्ड दिया गया है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया? यानी कि बच्चे सर्वाधिक जनसंख्या इनमें से किसकी हो गई? बच्चे सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में, बच्चे सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे किसने छोड़ दिया? 2.57 करोड़ हो गई है। और बच्चे भारत जो है इसको पीछे छोड़ दिया है। किसने पीछे छोड़ दिया बच्चे? इंडिया ने इसको पीछे छोड़ दिया। इसकी जनसंख्या कितनी हो गई? 142.86 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा भारत। चलिए अगला प्रश्न बच्चे, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 2023। अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, ये जो फेस्टिवल है प्रवासी भारतीय दिवस, ये कौन से मंथ में मनाया जाता है? ये जनवरी मंथ में मनाया जाता है। और ये किसके लिए होता है बच्चे? उन लोगों के लिए होता है, उन भारतीयों के लिए होता है जो अन्य देशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे होते, बिजनेस कर रहे होते या सर्विस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन भारतीयों को आपस में मेल मिलाप के लिए, मेल मिलाप के लिए का मतलब क्या समझ रहे हैं ना बच्चे? मान लेते हैं कनाडा में काफी लोग रहते एक ही कॉलोनी में रहते हुए। मान लेते बच्चे पंजाब के किसी चंडीगढ़ का व्यक्ति भी बच्चा कनाडा में रहता है उसी कॉलोनी में, और एक रहता है पठानकोट का। वो आपस में, उनको पता नहीं है कि हम लोग एक ही देश से आए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपस में कभी मिल भी नहीं पाते। तो ये बच्चे एक मीटिंग सी रहती है। उस समय बच्चे भारत में जितने भी माइग्रेटेड पीपल आए हुए होते हैं, यानी कि विदेश में काम करके या एजुकेशन ग्रहण करके उनको फिर से वापस जाना है, उससे पहले यहाँ पर क्या होती है बच्चे? एक मीटिंग होती है जिसमें आपस में सभी लोग मिलते हैं और बेहतर तरीके से यहाँ पर बच्चे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि वापस जाने पर ये आपस में एक दूसरे से मिल सके। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? जल्दी से भाई आंसर करेंगे सभी लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा बच्चे इसका आंसर? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 6 जनवरी या 7 जनवरी? तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, ये 8 से 10 जनवरी को बच्चे ये एक सम्मेलन होता है, 8 से 10 जनवरी को, जिसको प्रवासी भारतीय सम्मेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रवासी भारतीय सम्मेलन बोलते हैं। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन बच्चे इस वर्ष कहां पर होगा? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। कहां पर होगा बच्चे? इंदौर मध्य प्रदेश में सम्मेलन होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, 8 से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जाता है। लेकिन बच्चे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चे? 9 जनवरी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा इसका 9 जनवरी। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? न्यूजीलैंड जिसको पता होगा बच्चे, मेलोनेशिया का एक आइलैंड है। किसका है बच्चे? मेलोनेशिया का, ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है ना न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बच्चे जो नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए वो कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे भाई सभी लोग। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? न्यूजीलैंड बच्चे जिसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी विलिंगटन है। इसकी राजधानी क्या है बच्चे? इसकी राजधानी विलिंगटन है। विलिंगटन इसकी राजधानी है। इसके नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? मार्कोस जूनियर, जेसिंडा अर्डर्न, क्रिस हिपकिंस, मैथुसेस मोरबी की, इनमें से किसे न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया? सी ऑप्शन, क्रिस हिपकिंस। बहुत अच्छे बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्रिस हिपकिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बच्चे। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता बच्चे? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम की बात हो रही बच्चे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, इसमें से बच्चे पुरुष एकल यानी कि बच्चे मेंस सिंगल में किसने ये अवार्ड जीता है बच्चे? मेंस सिंगल में बच्चे कौन विनर रहा है? महिला सिंगल भी होता है बच्चे, वुमेन सिंगल बच्चे, वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में कौन जीता है बच्चे?
वुमेन सिंगल में कौन जीतता है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, मेन सिंगल में या वुमेन वुमेन सिंगल में? ध्यान देना बच्चे, यहां पर वुमेन सिंगल में कौन जीतता है? वुमेन सिंगल्स में सबालेंका जीतती है। कौन जीतता है बच्चे? सबालेंका जीतती है। और सबालेंका बच्चे कहां की प्लेयर है? बेलारूस की प्लेयर है। और ये किसको हरा करके जीतती बच्चे? ये एरियाना रायबकीना को हरा करके जीतती है। किसको हरा करके बच्चे? रायबकीना को हरा करके जीतती है। रायबकीना कहां की प्लेयर है बच्चे? ये कजाकिस्तान की प्लेयर है। कहां की? कजाकिस्तान की प्लेयर है। इनको हरा करके बच्चे महिला सिंगल्स कौन जीतता है? सबालेंका जीतती है। फिलहाल बच्चे मेन सिंगल की बात हो रही है। मेन सिंगल बच्चे कौन जीतता है? मेन सिंगल कार्लोस अलकराज, कैस्पर रूड, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, इनमें से कौन जीतता है? दीपक सर की क्लास बच्चे जल्दी शुरू होगी, दीपक सर की भी क्लास जल्दी शुरू होगी और वो अपने घर गए हुए लीव पर, थोड़ा सा काफी दूर से है तो उनको आने जाने में समय भी लग जाता है ना, तो घर गए हुए जल्दी आज हो सकता है शाम तक आ जाए और कल से आपकी क्लास जो है दीपक सर की भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में मेन सिंगल का अवार्ड किसने जीता बच्चे? मेन सिंगल में प्रतियोगिता किसके द्वारा जीती गई? नोवाक जोकोविच के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? नोवाक जोकोविच के द्वारा बच्चे जीता गया। और नोवाक जोकोविच ने बच्चे किसको डिफीट किया था? नोवाक जोकोविच ने, यहां पर ध्यान देना बच्चे, नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड को डिफीट किया था। किसको डिफीट किया था बच्चे? कैस्पर रूड को डिफीट किया था। और यहां पर ध्यान देना बच्चे, नोवाक जोकोविच का ये दसवीं बार बच्चे दसवीं जीत है ऑस्ट्रेलिया ओपन बच्चे। ये 10 बार जीत चुके, सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुके और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम भी हो चुके बच्चे। इनके टोटल कितने ग्रैंड स्लैम हो चुके बच्चे? 23 ग्रैंड स्लैम हो चुके। और इन्होंने बच्चे राफेल नडाल जिनके कितने ग्रैंड स्लैम है बच्चे? इनके टोटल 22 ग्रैंड स्लैम है। इनको डिफीट कर दिया, यानी कि और टेनिस का आप कह सकते हो सबसे बड़े प्लेयर कौन बन चुके? नोवाक जोकोविच बन चुके। इससे पहले बच्चे कौन थे? इससे पहले राफेल नडाल थे जिनके पास 22 ग्रैंड स्लैम थे। अभी नोवाक जोकोविच के पास कितने बच्चे? 23 ग्रैंड स्लैम है और 10 बार यानी कि सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीत चुके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी ग्रोथ रेट रहने की अनुमान लगाया जा रहा है? अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, यहां पर एक इकोनॉमिक सर्वे 2023 भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को जांचने के लिए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है बच्चे वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना ग्रोथ करेगी, भारत की अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना ग्रो करेगी, इसके लिए बच्चे एक इकोनॉमिक सर्वे किया गया, इकोनॉमिक सर्वे 2023। और इस सर्वे के अनुसार बच्चे भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है बच्चे, उसमें कितने परसेंट का ग्रोथ देखने को मिलेगा? चलिए बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चों का आंसर क्या है भाई? 6.5% कितना हो जाएगा बच्चे इसका आंसर? 6.5%। अभी आप लोग बताइएगा बच्चे कमेंट में, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ेगी, IMF के अनुसार बच्चे भारत की अर्थव्यवस्था कितनी इंक्रीज होगी, क्राइसिल के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितनी इंक्रीज होगी और फिच एजेंसी के अनुसार जो है भारत की अर्थव्यवस्था कितनी इंक्रीज होगी। इन चारों एजेंसी के द्वारा बच्चे क्या डेटा बताया गया है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्या इंक्रीमेंट बताया गया, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं बच्चे, किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू की है, यानी कि बच्चे महिलाओं के द्वारा क्या किया जाएगा, सैन्य सेवा की जाएगी। कुल मिलाकर के बच्चे इस देश के द्वारा पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल किया जाएगा, इनमें से किस देश के द्वारा पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल किया जाएगा? चौधरी अतुल सिंह का वर्ल्ड बैंक ने 5.1 बच्चे कुछ कम नहीं हो गया, वर्ल्ड बैंक बच्चे यहां पर ध्यान देना, वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक ने पहले बच्चे 6.7 का दिया था, 6.7% का डेटा दिया था, अभी कितना हो गया बच्चे इसका हो गया अभी 6.1%, कितना हो गया वर्ल्ड बैंक का बच्चे 6.1% हो गया। IMF का कितना हो गया बच्चे? चलिए आप लोग कमेंट करके बताते रहिए, मैं डेटा को करेक्ट करके बताता रहूंगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने बच्चे 6.7% पहले था, फिर वापस 6.3 पे आया, 6.3 से वापस अभी 6.1 पे आ गया। अमर सिंह,
कोलंबिया, ब्राजील, चिली, कंबोडिया, यहां पर ध्यान देना बच्चे, पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा प्रदान की जाएगी। क्या प्रदान की जाएगी बच्चे? सैन्य सेवा प्रदान की जाएगी। कौन सा देश हो जाएगा बच्चे इसमें से? कोलंबिया इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चे? कोलंबिया इसका आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया बच्चे पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शुरू करेगा, शामिल करेगा। इसकी राजधानी क्या बच्चे? इसकी राजधानी बोगोटा है। मुद्रा इसकी कौन सी चलती है? पेशो। और गुस्ताओ फ्रांसिस्को पेट्रो, ये क्या है बच्चे? यहाँ के राष्ट्रपति है। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की है? यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है, 4 साल की वैकेंसी है ना, जिसमें 4 साल आपको इम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है, या फिर 1/4 अग्निवीरों को प्रत्येक वर्ष रिटायर कर दिया जाता है। 1/4 अग्निवीरों को बच्चे क्या कर दिया जाता है? इनको रिटायर्ड कर दिया जाता है। तो रिटायर्ड होने के बाद बच्चे भारत की जितनी भी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चे इनमें क्या मिलेगी इनको? इनमें इनको रिजर्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? इनको रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि आरक्षण मिलेगा। अब आपने बताना है बच्चे कि यहाँ पर BSF के द्वारा इन अग्निवीरों को कितने परसेंट आरक्षण दिए जाने की बात की गई है? BSF के द्वारा अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की बात की गई है? BSF बच्चे जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और बच्चे इसके इस समय चीफ कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल बच्चे नितिन अग्रवाल। कौन है बच्चा? नितिन अग्रवाल जो है, नितिन अग्रवाल ये BSF के डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर बच्चे? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। कहां पर है बच्चा इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। BSF बच्चे अग्निवीरों को कितने परसेंट का रिलैक्सेशन देगा? गुरुजी विलेज आए और हम लोगों को नहीं बोले, हम लोग गुरुजी से मिलते। अब देखिए आपके साथ गुरुजी ने गद्दारी कर दी है ना, मैं नहीं ऐसा करता वैसे। नितिन अग्रवाल बहुत अच्छे भाई, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है बच्चा? BSF के नितिन अग्रवाल जी है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर 10%, बहुत अच्छे भाई, मोस्टली बच्चों के आंसर 10% है। और 10% ही बच्चे रिजर्वेशन देगा BSF किसको? अग्निवीरों को। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन चुकी है? तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर बात हो रही ब्रोंज मेडल की। और शायद बच्चे इससे पहले हम लोगों ने जब पढ़ा था इसको, शायद गोल्ड पढ़ लिया था, है ना। तो ब्रोंज मेडल जीता है बच्चे, और ब्रोंज मेडल भी किसमें जीता है बच्चे? तलवारबाजी में। किसमें बच्चे? फेंसिंग में। फेंसिंग बोले तो बच्चा तलवारबाजी, तलवारबाजी में भारत के लिए गोल्ड, भारत के लिए बच्चे ब्रॉन्ज मेडल, भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? जल्दी से भाई आंसर करेंगे सभी लोग। फेंसिंग कंपटीशन में, यानी कि तलवारबाजी की प्रतिस्पर्धा में बच्चे भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन चुकी? तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, ये जो फेंसिंग कंपटीशन है, ये जो फेंसिंग चैंपियनशिप है, फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 बच्चे, सबसे पहली चीज तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? बच्चे इसको होस्ट किया गया था चाइना में। इसको होस्ट कहां पर किया गया था बच्चे? इसको होस्ट किया गया था चाइना में। और बच्चे भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? सी ऑप्शन, भवानी देवी। बहुत अच्छे बच्चे, नाम से क्लियर है कि इनकी तलवारबाजी बेहतर होगी, है ना, भवानी देवी। आयोजन कहां पर हुआ था? विकसित चीन में हुआ था। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू करेगा? यानी कि यहां पर बात हो रही है बच्चे वर्ल्ड बैंक के द्वारा बच्चे दक्षिण एशिया में, यानी कि बच्चे साउथ एशिया में क्या शुरू किया जा रहा है बच्चे? साउथ एशिया में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की जा रही है। यानी कि बच्चे सड़कों पर होने वाले जो हादसे होते हैं उनको कम करने के लिए बच्चे रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट जो है बच्चे शुरू किया जा रहा है, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। और ये रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट बच्चे कौन से देश में शुरू किया जाएगा? साउथ एशिया का वो कौन सा देश है बच्चे जिस देश में वर्ल्ड बैंक रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी? बांग्लादेश, भारत, भूटान, श्रीलंका। बहुत अच्छे बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई बांग्लादेश में बच्चे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसके द्वारा बच्चे वर्ल्ड बैंक के द्वारा रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विशेष विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 का आयोजन कहां हुआ? यहां पर बात हो रही है बच्चे स्पेशल वर्ल्ड समर गेम्स की।
स्पेशल वर्ल्ड समर गेम्स की, स्पेशल वर्ल्ड समर गेम्स को बच्चे, वर्ल्ड समर गेम्स को कहां पर आयोजित किया गया, वर्ल्ड समर गेम्स 2023 को, वर्ल्ड समर गेम्स स्पेशल वर्ल्ड समर गेम्स का बच्चे आयोजन कहां पर किया गया। तो आपको पता होगा बच्चे इसके आयोजन के लिए मैंने बताई थी एक बर्लिन ट्रिप, क्या बताया था बच्चे मैंने, बर्लिन ट्रिप आपको बताया था, इसके लिए बच्चे बर्लिन ट्रिप की गई थी। बर्लिन ट्रिप का मतलब क्या था बच्चे कि इस गेम में, यानी कि भाई जो स्पेशल वर्ल्ड समर गेम्स होता है बच्चे, ये आपका बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपका ओलंपिक गेम्स होते हैं ना, ओलंपिक गेम्स की तरह होता है, तो ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करें, इसके लिए बच्चे बर्लिन ट्रिप की गई थी। और बर्लिन ट्रिप का बच्चे ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, यानी कि इंडियन खिलाड़ियों को बच्चे प्रेरित करने के लिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित करने के लिए बच्चे ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। किसको बनाया गया था बच्चे, आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। और इनको बच्चे नियुक्त किसने किया था, इनको नियुक्त किया था बच्चे युवा एवं खेल खेल मंत्री, युवा एवं खेल मंत्री किसने बच्चे, अनुराग ठाकुर ने बच्चे, इनको अनुराग ठाकुर के द्वारा बच्चे आयुष्मान खुराना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेट करके इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित करें। तो बच्चे बर्लिन कहां पर है, बर्लिन है बच्चा जर्मनी में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बर्लिन में बच्चे इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है बच्चा, बर्लिन में इसका आयोजन किया जाता है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बच्चे, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। अब यहां पर ध्यान रहे बच्चे, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023, यानी कि बच्चे ये भी फीफा वर्ल्ड कप की तरह होता है, लेकिन ये बच्चे अंडर 20 वर्ल्ड कप है। अंडर 20 का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे वो 20 वर्ष से कम आयु के होंगे। इसको होस्ट कहां पर किया गया था बच्चे, इसको होस्ट किया गया था अर्जेंटीना में। कहां पर किया गया था बच्चे, अर्जेंटीना में इसको होस्ट किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप को बच्चे कहां पर होस्ट किया गया था, फीफा वर्ल्ड कप जो है, फीफा वर्ल्ड कप बच्चा ये आपका हुआ था 2022 में। कब हुआ था बच्चे, 2022 में हुआ था। और 2022 में बच्चे इसको होस्ट कहां पर किया गया था, 2022 में इसको होस्ट किया गया था कतर में। कहां पर बच्चा, कतर में इसको होस्ट किया गया था। और ये बच्चे ये 2026 में कहां पर होस्ट किया जाएगा, क्योंकि चार वर्ष बाद फिर ये होगा, तो 2026 में बच्चे इसको यूएसए कनाडा और मैक्सिको मिलकर के होस्ट करेगी। यूएसए कनाडा और मैक्सिको, ये तीन कंट्री मिलकर के बच्चे फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेंगे। फिलहाल बात हो रही है बच्चे फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023, और बच्चे इसको होस्ट किया था अर्जेंटीना ने। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे, इसका जो फाइनल मैच होता है ना, इसका फाइनल मैच बच्चे किससे होता है, इसका फाइनल मैच होता है उरुग्वे और ब्राजील, उरुग्वे और बेल्जियम से। किससे होता है बच्चे, उरुग्वे और बेल्जियम में बच्चे इसका क्या होता है, फाइनल मैच होता है। और बच्चे यहाँ पर विनर कौन रहता है, यहाँ पर विनर रहती है उरुग्वे की टीम। किसकी टीम बच्चे, उरुग्वे की टीम क्या रहती है बच्चे, विनर रहती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंजलि सिंह जी, जय हिंद बच्चे। 2026 यूएसए कनाडा और मैक्सिको मिलकर के करेंगे, बहुत अच्छे भाई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने पनडुब्बी निर्माण के लिए किस देश की पनडुब्बी निर्माता कंपनी थिशियन क्रुप मरीन सिस्टम के साथ 43,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। मतलब बच्चे ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या है बच्चे, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बच्चे। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का बजट कितना है भाई, इस साझेदारी का बजट कितना है बच्चे, 43,000 करोड़ रुपए। तो मतलब काफी बड़ी साझेदारी होगी, काफी बड़ा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये बच्चे। कौन से देशों के मध्य हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, भारत ने पनडुब्बी निर्माण के लिए किस देश की पनडुब्बी निर्माता कंपनी। अब बच्चे इंडिया की सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, इंडिया में बच्चे जो पनडुब्बी निर्माण कंपनी है, इंडिया की जो पनडुब्बी निर्माण कंपनी बच्चे वो कौन सी है, इंडिया में पनडुब्बी का निर्माण कौन करता है, तो इंडिया में बच्चे पनडुब्बी का निर्माण करता है मैजागॉन डॉक शिपबोर्ड। कौन करता है बच्चे, मैजागॉन करता है, मैजागॉन डॉक शिपबोर्ड, डॉक शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग कंपनी, शिप बिल्डिंग। ये क्या करती है बच्चे, भारत के लिए सबमरीन्स और शिप्स बनाती है। कौन बच्चे, मैजागॉन। अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, मैजागॉन का जो है टाइअप हुआ है किससे, थिशियन क्रुप मरीन सिस्टम से। किससे हुआ बच्चे, थिशियन क्रुप मैरीन सिस्टम। ये बच्चे क्या है, ये किसी अन्य देश की शिप और सबमरीन्स बनाने की कंपनी है। और बच्चे ये कौन से देश की है, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान या जर्मनी। ब्रिटेन, फ्रांस
जापान या जर्मनी, यानी कि किस देश के सात बच्चे भारत की मेजागॉन डॉक सी बिल्डिंग कंपनी क्या करेगी बच्चे, भारतीय सेना के लिए, भारतीय नेवी के लिए बच्चे क्या बनाएगी, सबमरीन्स बनाएगी, ठीक है, सबमरीन्स बनाएगी। और यहां पर ध्यान देना बच्चे, छह सबमरीन्स जो है, छह सबमरीन्स इंडियन आर्मी को सौंप भी दी गई इसके द्वारा बना करके, छह सबमरीन इंडियन नेवी को, इंडियन नेवी को इस एमओयू के थ्रू, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू के द्वारा सौंपी गई। यानी कि बच्चे भारतीय सेना को, भारतीय नेवी को छह सबमरीन्स जो है इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिल चुकी है। और ये प्रोजेक्ट बच्चे भारत और अन्य किस देश के मध्य हुआ है, तो मोस्टली बच्चों का आंसर फ्रांस है, मोस्टली बच्चों का आंसर फ्रांस है। लेकिन बच्चे यहां पर ध्यान देना, मैं पढ़ा चुका हूं बहुत ही जल्द आप लोगों को, ये किसके द्वारा, किसके साथ हुआ था बच्चे, जर्मनी के साथ हुआ था ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ हुई थी, जर्मनी के साथ हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते बच्चे, 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा, 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी, मिस वर्ल्ड 2023 ये कौन से देश में किया जाएगा बच्चे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1951 से इसकी शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत कब होती है, 1951 से इसकी शुरुआत होती है। और भारत बच्चे एक बार इसमें पार्टिसिपेट करता है, 1965 में ये भारत में होता है, ये भारत होस्ट करता है, भारत होस्ट करता है, भारत कब होस्ट करता है बच्चे, 1965 में एक बार होस्ट करता है। और भारत से बच्चे अब तक तीन प्लेयर ने इसको जीता है, ठीक है। 1994 में बच्चे किसने जीता था, ऐश्वर्या राय ने जीता था इस प्रतियोगिता को, किसने जीता था बच्चे, ऐश्वर्या राय ने जीता था। और बच्चे उसके बाद सन 2000 में मिस वर्ल्ड कौन जीतता है बच्चे, प्रियंका चोपड़ा जीतती है, कौन जीता बच्चा, प्रियंका चोपड़ा। और 2017 में बच्चे मानसी छिल्लर, 2017 में कौन बच्चे, मानसी छिल्लर बच्चे 2017 में जीतते हैं। यानी कि भारत से बच्चे तीन जो है विनर रह चुके हैं इस प्रतियोगिता के। अभी बात हो रही है बच्चे मिस वर्ल्ड 2023, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, इंडिया में किया जाएगा, भारत में किया जाएगा, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए अगले प्रश्न पर आते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए। एक्चुअली बच्चे आपके मोबाइल जो छिन जाते हैं या कोई आपकी पॉकेट से निकाल लेता है या आपसे गिर जाते हैं कहीं पर, उन मोबाइल्स को ट्रैक करने के लिए, उन मोबाइल्स को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बच्चे क्या लॉन्च किया गया बच्चे, संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, बी आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2023 में राज्यसभा में प्रतिस्पर्धा संशोधक विधेयक 2023 को पारित किया गया, यह विधेयक पहली बार संसद में कब पेश किया गया था, यानी कि बच्चे अभी तो राज्यसभा में इसको पेश किया गया, लोकसभा में इसको कब पेश किया गया था, इसको लोकसभा में कब पेश किया गया था बच्चे, लोकसभा में इसको कब पेश किया गया था, राज्यसभा में बच्चे कब पेश किया जाता है, राज्यसभा में बच्चा ये अप्रैल में पेश किया जाता है, कब, अप्रैल 2023 में बच्चे ये राज्यसभा में पेश किया जाता है, इससे पहले बच्चे किसमें पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। और लोकसभा में बच्चे बहुत अच्छे सभी बच्चों का आंसर क्या है भाई, अगस्त 2022 में बच्चे पहले इसको लोकसभा में पेश किया जाता है और फिर बच्चे राज्यसभा में इसको कब पेश किया जाता है, अप्रैल 2023 में, ठीक है। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल बीकेसी किस शहर में खोलेगी, एप्पल बीकेसी, यहां पर ध्यान देना बच्चे, एप्पल कंपनी, एप्पल के बारे में मैंने बताया भी आप लोगों को बच्चे, एप्पल कंपनी के बच्चे निर्माण कब हुआ था, 1976 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था बच्चे इसका एस्टेब्लिशमेंट, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके फाउंडर कौन थे बच्चे, इसके फाउंडर थे स्टीव जॉब्स के द्वारा बच्चे इसकी स्थापना होती है। और इसका यहाँ पर ध्यान बच्चे हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान बच्चे एप्पल कंपनी का जो भारत में स्टोर खोला जा रहा है एप्पल बीकेसी नाम से, किस नाम से बच्चे, एप्पल बीकेसी टाइटल से, ये कौन से शहर में खोला जाएगा एप्पल का स्टोर, बी बोले तो बच्चा मुंबई, बहुत अच्छे आंसर क्या हो जाएगा बच्चे इसका, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अब चलिए रिवीजन वाले क्वेश्चन हो गए, अब कुछ नए क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन चुने गए,
रेलवे पुलिस फोर्स सर्विसेज के, रेलवे पुलिस फोर्स सर्विसेस, यानी कि बच्चे बात हो रही आरपीएफ की, किसकी बात हो रही बच्चे, आरपीएफ, आरपीएफ के नए महानिदेशक, यानी कि बच्चे नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए, आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए, तो जल्दी से भाई सभी लोग आंसर करेंगे, आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए, आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए, आंसर आ रहा है भी सैली चौधरी और साक्षी चौधरी का आंसर आ रहा है डी, चौधरी अतुल सिंह रावण, भाई सभी लोग आंसर करेंगे बच्चे, बात हो रही रेलवे पुलिस फोर्स सर्विसेज की, इसके नए डायरेक्टर जनरल, इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चे, रेलवे पुलिस फोर्सेस की स्थापना 1972 में हुई थी, कब हुई थी बच्चे 1972 में हुई थी, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर बच्चे, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, और यहां पर ध्यान देना बच्चे, इसके द्वारा आरपीएफएस के द्वारा बच्चे 2023 में कौन कौन से मिशन चलाए गए, 2023 के प्रमुख मिशन कौन से बच्चे, प्रमुख मिशन कौन से हैं, तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, आहट नाम से एक मिशन चलाया गया, आहट मिशन, और ये आहट मिशन बच्चे, ये आहट मिशन किससे संबंधित है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है, और ये काफी पॉपुलर है बच्चे, ये काफी पॉपुलर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित आहट मिशन, एक्चुअली बच्चे रेलवे के द्वारा रेल से बच्चों की ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, किसकी ट्रैफिकिंग बच्चे, बच्चों की ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब बच्चों को जबरदस्ती ट्रेन में बिठा लिया जाता है और फिर उनको अनवांटेड जगह पर ले जाकर के उनके ऑर्गन्स वगैरह या फिर उनसे इलीगल तरीके से कार्य कराए जाते हैं, तो आहट मिशन का बच्चे मोटिव क्या है, जो रेलवे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो बच्चों को जबरदस्ती बिठा लिया जाता है या बुजुर्गों को जबरदस्ती बिठा करके जो है अनवांटेड प्लेस पे ले जाया जाता है, उसको रोकने के लिए आहट मिशन जो है शुरू किया गया, और बच्चे एक मिशन और शुरू किया गया, मार्कोस मिशन, कौन सा बच्चे, मार्कोस मिशन, तो जैसे ही बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, वैसे बच्चे ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ये किसको रोकने के लिए बच्चे, ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, तो यहां पर आपने बच्चे आंसर करना है कि जो रेलवे पुलिस फोर्स है इसके महानिदेशक कौन चुने गए, जल्दी से भाई सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, रेलवे पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक कौन चुने गए, मनोज यादव भाई, बहुत अच्छे सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है, मनोज यादव जी को बच्चे आरपीएफएस का क्या बनाया गया, नया महानिदेशक चुना गया। इंडोनेशिया की राजधानी कहां स्थानांतरित की गई, इंडोनेशिया बच्चे जिसकी राजधानी क्या थी अभी तक, इंडोनेशिया की बच्चे राजधानी थी अभी तक जकार्ता, क्या थी बच्चे, जकार्ता इसकी राजधानी थी, और यही इंडोनेशिया क्या बच्चे, यही इंडोनेशिया की जकार्ता जो राजधानी थी, ये हेडक्वार्टर थी बच्चे किसका, एशियन का हेडक्वार्टर थी, ठीक है। अब बच्चे जो इंडोनेशिया है इसकी राजधानी बदल दी गई है, जकार्ता से बच्चे इसकी राजधानी बदल करके क्या कर दी गई, अभी बच्चे इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी, जल्दी से भाई सभी लोग आंसर करेंगे, इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया गया, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए भाई, इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया गया, मेडान को, नुसंतारा को, बांडुंग को, बोर्नियो को, इनमें से कौन से शहर को बच्चे इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बोर्नियो को बच्चे क्या बनाया जा रहा है, जकार्ता से अभी इसकी राजधानी शिफ्ट हो रही है कहां पर, बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो क्या होगा बच्चे, इंडोनेशिया की नई राजधानी होगा, इंडोनेशिया द्वीप जो है बच्चे, इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में आता है तो सभी को पता है, पर यहां पर बच्चे इंडोनेशिया रुपया चलता है, यहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है बच्चे, जोको विडोडो है, कौन है बच्चा, जोको विडोडो है, अब यहाँ की बच्चे जो नई राजधानी होगी वो बोसनी होगी। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, म्यांमार में हाल ही में क्या आया था बच्चे, चक्रवात आया था, किस नाम से बच्चे, म्यांमार में चक्रवात बच्चे किस नाम से आता है, मोचा नाम से आता है, किस नाम से बच्चे, मोचा नाम से, और ये जो मोचा चक्रवात है बच्चे, ये चक्रवात म्यांमार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, तो यहां पर बच्चे आपदा पीड़ितों को राहत देने के लिए बच्चे भारत ने मदद भेजी बच्चे, और इस मदद को बच्चे किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि बच्चे जैसे आप देखेंगे जो तुर्की और सीरिया में
जो तुर्की और सीरिया में बच्चे क्या हुआ था, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था बच्चे, इस भूकंप में हम लोगों ने सहायता भेजी थी सीरिया और तुर्की को, और इसको क्या बोला गया था बच्चे, इसको ऑपरेशन दोस्त बोला गया, इसको क्या बोला गया था बच्चे, ऑपरेशन दोस्त बोला गया। अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, सूडान में गृह युद्ध के कारण, गृह युद्ध के कारण बच्चे हम लोगों ने मदद भेजी, गृह युद्ध के कारण मदद भेजी बच्चे, और इसको क्या बोला गया बच्चे, इस मदद को हम लोगों ने बोला ऑपरेशन कावेरी, क्या बोला बच्चे, ऑपरेशन कावेरी बोला। तो यहां पर बात हो रही बच्चे म्यांमार की, कि म्यांमार में जो बच्चे मोचा चक्रवात आया था, इसमें पीड़ितों की मदद करने के लिए, इसमें पीड़ितों की मदद करने के लिए बच्चे ऑपरेशन गंगा नहीं होगा बच्चे, ऑपरेशन गंगा नहीं होगा, ऑपरेशन गंगा बच्चे यूक्रेन में भेजा था हम लोगों ने, यूक्रेन से भारतीयों की घर वापसी के लिए, यूक्रेन से भारतीयों की घर वापसी के लिए बच्चे हम लोगों ने ये मिशन चलाया था, कौन सा बच्चे, ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चे, ऑपरेशन करुड़ा, क्या होगा बच्चे, ऑपरेशन करुड़ा बच्चे, ये हम लोगों ने कहां पर भेजा, ऑपरेशन करुड़ा बच्चे हम लोगों ने म्यांमार में भेजा, वहां पर पीड़ितों की मदद करने के लिए, ठीक है, पीड़ितों की मदद करने के लिए। चौधरी अतुल सिंह का आंसर करेक्ट है, ऑपरेशन करुणा इज द राइट आंसर। शिवम कुमार सीडीएस, अब ये शिवम ना कभी कभी क्लास करता है, इस वजह से इसके आंसर भी गलत हो रहे, सर जल्दी जल्दी कराइए। चलिए अगले प्रश्न पर आते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने। यूट्यूब बच्चे जो कि एक वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, यूट्यूब क्या है बच्चे, वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चे, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, कब हुई थी बच्चे, 2006 में इसकी स्थापना होती है, और 2007 में गूगल इसे खरीद लेता है, कौन खरीद लेता है बच्चे, गूगल इसे खरीद लेता है, किसे बच्चा, यूट्यूब को कौन खरीद लेता है बच्चे, गूगल खरीद लेता है। तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, 2007 में इसको बच्चे गूगल खरीद लेता है, और ये सबसे बड़ा बच्चे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। अभी यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के देखेंगे बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्या नडेला, ये भारतीय है, ये भारतीय मूल के। जो बच्चे गूगल के हैं, गूगल के कौन है बच्चे, गूगल के सुंदर पिचाई है, गूगल के कौन है बच्चे, गूगल के सुंदर पिचाई है, ठीक है। लेकिन बच्चे ट्विटर ने अपना बदल दिया है ना, ट्विटर ने जो है पलटी मार ली बच्चे, ट्विटर में कौन है, लिंडा याकारिनो है, कौन बच्चे, ट्विटर के लिंडा याकारिनो है। लेकिन बच्चे यहां पर ध्यान देना, यूट्यूब के कौन है बच्चे, अलेक्जेंडर कनिंगम, मैमोल रॉकी, नील मोहन, कैम्बेल विल्सन, इनमें से किसे बच्चे यूट्यूब का क्या बनाया गया बच्चे, यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, नील मोहन। अब यूट्यूब का भी बच्चे जो सीईओ है वो एक भारतीय होगा, कौन होगा बच्चे, भारतीय होगा, नील मोहन जी बच्चे भारतीय मूल के हैं, और इन्हें यूट्यूब का सीईओ बनाया जा रहा है, इसका यूट्यूब का सीईओ नील मोहन, बहुत अच्छे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील मोहन हो जाएगा। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यहां पर बात हो रही बच्चे लोकमान्य तिलक पुरस्कार, और ये किसे दिया जाता है बच्चे, लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये उस राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है, उस राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है बच्चे जो बेहतर नीतियों का निर्माण करता है, जो बेहतर पॉलिसी बनाता है बच्चे, उस राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार दिया जाता है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 इनमें से किसे दिया गया, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या दलाई लामा। तो दलाई लामा को अच्छा पता होगा, इनको शांति पुरस्कार दिया गया है ना, इनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अभी हाल ही में शांति पुरस्कार दिया जाता है, शांति पुरस्कार। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023, शांति पुरस्कार बच्चे, नोबेल वाला शांति पुरस्कार नहीं है, ये नोबेल वाला शांति पुरस्कार नहीं, बी आंसर द्रौपदी मुर्मू। नरेंद्र मोदी बच्चे राइट आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी को बच्चे ये अवार्ड दिया जाता है, किसे दिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी को बच्चे अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया था, ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड बच्चे, जो कि क्या है, ऑर्डर ऑफ द नाइल बच्चे इजिप्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है, इजिप्ट का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बच्चे, इजिप्ट का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बच्चे, जिसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ द नाइल बोला जाता है। ये किसे दिया गया बच्चे, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया,
और यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, इजिप्ट के अलावा अन्य देशों ने बच्चे इनको अवार्ड दिया, जैसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन अवार्ड। ये बच्चे किसने दिया है ये अवार्ड बच्चे? फ्रांस का क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। कहां का बच्चे? फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार बच्चे जिसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन पुरस्कार बोलते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन पुरस्कार ये भी मोदी जी को दिया गया। इजिप्ट का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल ये भी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। मनमोहन सिंह को क्या दिया गया बच्चे? मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बच्चे, इनको हाल ही में बच्चे कौन सा अवार्ड दिया गया? बच्चे ब्रिटेन का इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कौन सा बच्चे? ब्रिटेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बच्चे किसे दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मनमोहन सिंह जी को दिया गया। किसे दिया गया? मनमोहन सिंह जी को दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते बच्चे, अगला प्रश्न क्या है आपका? फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फीफा महिला विश्व कप 2023 बच्चे इसकी मेजबानी कौन करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या दोनों या नीदरलैंड? जल्दी से आंसर कीजिए बच्चा, जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दोनों ए एंड बी या फिर नीदरलैंड? जल्दी से आंसर कीजिए भाई सभी लोग। बहुत बात क्या हुआ भाई, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्या हुआ सर? मेरा पेपर 28 तारीख को है, डीडीए का पेपर है ये मेरा। रिश्तेदारों और दोस्तों से बुराई सुनने को मिलती है। मुसाफिर हूं, जय हिंद बच्चे। मनमोहन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, बहुत अच्छे। इसी बच्चे ने कोई बड़ा सा कमेंट किया था लेकिन निकल गया, अभी ध्यान नहीं दे पाया मैं। यहां पर बात हो रही है बच्चे फीफा महिला विश्व कप 2023 की, तो इसका आंसर बच्चे ए एंड बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिल करके करेगा। कौन करेगा बच्चे? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड मिल करके करेंगे बच्चे, ठीक है। और यहां पर ध्यान दे रहे बच्चे ये जो है कब होगा? ये 2023 में होगा। और बच्चे यहां पर ध्यान दे रहे इसका कौन सा एडिशन है? ये इसका 9th एडिशन है। और इसका जो 8वां एडिशन है, इसका 8वां एडिशन बच्चे 8th एडिशन का हुआ था, क्योंकि ये भी 4 साल में होता है एक बार, ये भी 4 साल में एक बार होता है, जिसका 8वां एडिशन 2019 में हुआ था। और कहां पर बच्चे? फ्रांस में हुआ था। तो इसका 2023 में बच्चे कहां पर होगा? 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर करेंगे। और 8वां वाला बच्चे फ्रांस ने अकेले किया था 2019 में, 9th संस्करण है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहां करेंगे? तो रायसीना कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें बच्चे, रायसीना कॉन्फ्रेंस, या इसको आप डायलॉग बोल सकते हो, ये है एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस ही, क्योंकि बच्चे ये जो है आपका विदेश मंत्रियों का एक क्या होता है? विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन होता है। विदेश मंत्रियों का क्या होता है बच्चे? विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है। और इसको रायसीना डायलॉग क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि रायसीना पहाड़ी पर क्या है? रायसीना पहाड़ी पर सभी को पता होगा बच्चे राष्ट्रपति भवन है, और यहाँ पर बच्चे हमारे विदेश मंत्रालय का हेडक्वार्टर है। किसका बच्चे? विदेश मंत्रालय का हेडक्वार्टर है बच्चे। और इसी हेडक्वार्टर में दुनिया भर के विदेश मंत्रियों को बुलाया जाता है बच्चे चर्चा के लिए। मेरे सारे एग्जाम लास्ट है, मैं भी मानूंगा अगर सॉल्यूशन एमआरएनए है तो। एमआरएनए नहीं होता है भाई, दिमाग खाली है क्या आपका? उसको भरो। आपस में आप लोग झगड़िए मत, लगातार आंसर करते रहिए, ठीक है? लगातार आंसर करते रहिए भाई सभी लोग। बात हो रही बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया, यानी कि बच्चे ये इसका कौन सा सीजन था? इसका 8वां एडिशन था। और रायसीना डायलॉग बच्चे, रायसीना पहाड़ी है कहां पर? तो बच्चे ये तो दिल्ली में है ना, ये कहां पर बच्चे? ये दिल्ली में। तो इसका बच्चे आयोजन भी कहां पर होगा? इसका आयोजन भी दिल्ली में होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते बच्चे, वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी।
मुख्य अतिथि कौन रहेंगे बच्चे, जियोर्जियो मेलोनी, जो कि इटली के प्रधानमंत्री है। कहां के प्रधानमंत्री बच्चे, इटली के प्रधानमंत्री। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहां स्थापित किया गया, इसको बच्चे बाहुबली बोलते, बाहुबली बाहुबली, इसको बाहुबली भी बोलते और बाहुबली भी बोलते, बाहुबली भी बोलते, बाहुबली इसको क्यों बोलते बच्चे, क्योंकि 200 मीटर, 200 मीटर क्या बच्चे क्रॉस बैरियर है, ये क्या बच्चे क्रॉस बैरियर है। आप देखते होंगे बच्चे रोड के किनारे आपको यहाँ पर बैरियर्स दिखाई देते हैं, रोड के किनारे बैरियर्स दिखाई देते हैं ताकि अगर कोई गाड़ी वगैरह टकराए बच्चे तो वो खाई में ना गिरे जाके। आपको रोड के किनारे क्या दिखते हैं बच्चे, क्रॉस बैरियर दिखाई देते हैं। और ये जो क्रॉस बैरियर बच्चे, ये ज्यादातर क्रॉस बैरियर बच्चे किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। ये क्रॉस बैरियर किसके होते हैं बच्चे, आप हाईवे पे जाओगे बच्चे आपको रोड के किनारे ये क्रॉस बैरियर दिखाई देंगे, ठीक है। क्रॉस बैरियर जो रोड के किनारे नहीं होते बच्चे, थोड़ी सी ऊंचाई पर, जैसे आप छतों पर रेलिंग लगाते हो ना, जैसे छतों पर रेलिंग लगाते बच्चे, वैसे रोड के किनारे रेलिंग सी लगी होती है, छोटे छोटे से खंभे होते हैं और उसके ऊपर एल्यूमिनियम की पाइप्स जो रहती है, फटी हुई पाइप्स जो लगी हुई होती है, ठीक है, उसको क्रॉस बैरियर बोलते हैं। अभी यहाँ पर ध्यान देना बच्चे क्या बोला गया कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉस बैरियर, और किससे बना हुआ बच्चे, बांस से बना हुआ, बांस से बना हुआ दुनिया का सबसे लंबा क्रॉस बैरियर बच्चे, जिसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर, 200 मीटर का बच्चे क्या है, बांस का बना हुआ क्रॉस बैरियर है। और बच्चे इसको बाहुबली इसी वजह से बोला गया क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉस बैरियर है और सबसे मोटे बांसों का प्रयोग हुआ इसमें बच्चे 200 मीटर लंबा एक क्रॉस बैरियर होगा, जो कि दुनिया का अब तक का सबसे लंबा बंबू का क्रॉस बैरियर है। सर तो मुझे ही समझ रहे हैं कि मैं मरने जा रहा हूं। 8 महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बच्चे मुंबई शहर के आसपास ये बनाया गया, ठीक है, मुंबई शहर के आसपास बनाया गया। फिलहाल बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, महाराष्ट्र में इसका निर्माण हुआ है और महाराष्ट्र के बच्चे यहाँ पर ध्यान देना सीएम कौन है बच्चे, तो सीएम है एकनाथ शिंदे। कौन है बच्चा, एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम है। और यहाँ के बच्चे जो गवर्नर है कौन है बच्चे, रमेश बाईस यहाँ के गवर्नर है, ठीक है, रमेश बाईस इसके गवर्नर है। बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं लेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को करना है। अगले प्रश्न पर आते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, यानी कि बच्चे जो नदियों के किनारे, जो नदियों के किनारे बच्चे पार्क बनाए जाते हैं, जो नदियों के किनारे पार्क बनाए जाते बच्चे, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते बच्चे, हेरिटेज, इनको क्या बोलते बच्चे, हम लोग हेरिटेज रिवर फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, हेरिटेज रिवर फ्रंट बोलते हैं। नदियों के किनारे बच्चे नदियों को प्रमोट करने के लिए, उनकी स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हेरिटेज रिवर फ्रंट आपको गोमती रिवर फ्रंट भी दिखेगा, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट है, आपको वृंदावन में दिखेगा, है ना, वृंदावन में बहुत बहुत खूबसूरत आपका हेरिटेज रिवर फ्रंट बना हुआ। अब यहाँ पर कह रहे हैं बच्चे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहां बनकर तैयार हुआ, तो दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट बच्चे इससे पहले मैंने बताया रिवर फ्रंट जो है आपको, रिवर फ्रंट बच्चे वृंदावन में भी दिखेगा, कहां पर दिखेगा बच्चे, वृंदावन में दिखेगा। और कहां पर दिखेगा बच्चे, लखनऊ में दिखेगा, लखनऊ में, कोलकाता में दिखेगा। लेकिन इन रिवर फ्रंट को बच्चे हेरिटेज रिवर फ्रंट नहीं बोला जाता, इनको हेरिटेज रिवर फ्रंट नहीं बोला जाता बच्चे, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से नदियों को स्वच्छ नहीं करते। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, ये रिवर फ्रंट पार्क तो रहेगा ही, साथ में बच्चे यहाँ पर नदी की साफ सफाई को भी प्रमोट किया जाएगा, नदी की साफ सफाई को भी प्रमोट किया जाएगा बच्चे, इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, हेरिटेज रिवर फ्रंट बोला जा रहा है। और ये हेरिटेज रिवर फ्रंट बच्चे कृष्णा नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, ये साबर नदी, इस इनमें से कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है और कौन से राज्य में बनाया जा रहा है, डी आंसर करें बहुत से बच्चे, साबरमती नदी गुजरात, नहीं बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी राजस्थान, राजस्थान में बच्चे इसका निर्माण हो रहा है, कहां पर हो रहा है बच्चे, राजस्थान में। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की, जैसे बच्चे आप देखेंगे G20 का 2023 में शिखर सम्मेलन हुआ, 2023 समिट हुआ बच्चे, इसको किसने होस्ट किया 2023 में बच्चे, इसको भारत ने होस्ट किया, किसने होस्ट किया बच्चे, इंडिया ने होस्ट किया। आपने बताना बच्चे कि 2024 में से कौन होस्ट करेगा G20 को बच्चा, 2024 में
कौन सा देश होस्ट करेगा 2024 में G20 को, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? जर्मनी। कुछ बच्चे जर्मनी को आंसर कर रहे हैं। शैली चौधरी बाय, बी आंसर आ रहा है। 2024 में बच्चे इसको कौन होस्ट करेगा? यहां पर ध्यान देना बच्चे, ब्राजील, जर्मनी, ब्रिटेन, सिंगापुर, ये चार ऑप्शन है आपके। और ब्राजील में ध्यान देना बच्चे, अगला वाला कहां पर होगा? अगला वाला ब्राजील में होगा, लेकिन इसके बाद वाला कौन सा होगा? ब्राजील में बच्चे 2024 वाला होगा। और 2025 वाला कहां पर होगा बच्चे? 2025 वाला साउथ अफ्रीका में होगा। कहां पर होगा बच्चे? साउथ अफ्रीका में होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दो बच्चे, नाटो को 2023 में कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? नाटो को 2023 में बच्चे लिथुआनिया कर रहा है। कौन कर रहा है? लिथुआनिया कर रहा है। नाटो का जो समिट होगा बच्चे 2023 का, वो कहां पर होगा? लिथुआनिया में होगा। एशियन का कहां पर होगा बच्चे? एशियन का कहां पर होगा बच्चे? ये इंडोनेशिया में होगा। ये कहां पर होगा बच्चे? ये इंडोनेशिया में होगा, ठीक है। और बच्चे ब्रिक्स का कहां पर होगा? ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका में होगा। ब्रिक्स का कहां पर होगा बच्चे? ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। शिखर सम्मेलन बता रहा हूं बच्चे 2023 के, ये 2023 के शिखर सम्मेलन है, ठीक है। नाटो का कहां पर होगा? लिथुआनिया में। एशियन का इंडोनेशिया में। ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका में। और यहां पर I2U2 का बच्चे कहां पर होगा? ये इंडिया में होगा। क्वाड का कहां पर होगा बच्चे? क्वाड का भी इंडिया में होगा। क्वाड का भी बच्चा इंडिया में होगा। और यहां पर ध्यान देना बच्चे SCO का कहां पर होगा? SCO का भी इंडिया में होगा। SCO का भी कहां पर होगा बच्चे? इंडिया में होगा। तो ये जो है बच्चे, ये आपके कुछ प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है और इनके बच्चे होने वाले क्या है आपके? सबमिट है, ठीक है। WEF का बच्चे, WEF भी इंपॉर्टेंट रहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहां पर होगा बच्चे? इसका स्विट्जरलैंड में होगा। इसका बच्चे जो शिखर सम्मेलन है कहां पर होगा? इसका शिखर सम्मेलन बच्चे स्विट्जरलैंड में होगा। तो ये आपके कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चे, शंघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बन चुका है? SCO बच्चे, SCO के अब तक कितने मेंबर थे? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था बच्चे? एससीओ का एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। और किस किस ने बच्चे मिलकर के किया था? चाइना और रशिया ने मिलकर के किया था। जैसा कि मैंने बताया बच्चे, 2017 में भारत जुड़ता है इससे, इस ग्रुप से बच्चे। भारत कब जुड़ता है इस ग्रुप से? 2017 में भारत जुड़ता है। 2017 में इससे कौन जुड़ता है बच्चे? भारत जुड़ता है। और SCO का बच्चे जो SCO समिट 2023 होने वाला है, जो SCO समिट 2023 होने वाला है बच्चे, ये कहां पर होगा? SCO समिट 2023 बच्चे ये भी भारत में होगा। कहां पर होगा बच्चे? भारत में होगा। अब भारत में बच्चे इसका जो 2023 का समिट हो रहा है, इसमें 9वें सदस्य को जोड़ा जाएगा, क्योंकि बच्चे अभी तक इसके कितने सदस्य थे? अभी तक इसके 8 सदस्य थे। तो 9वें सदस्य के रूप में SCO में किसे जोड़ा जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा भाई आंसर? सभी बच्चों का आंसर सी है, ईरान। ईरान इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते बच्चे, भारत में आयोजित होगा इसका 23वां शिखर सम्मेलन। सदस्य देश किसमें कितने बच्चे? सदस्य देश अभी 9 हो चुके हैं। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहां स्थापित की जाएगी? सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट बच्चे ये कहां पर स्थापित की जाएगी? सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट होगी बच्चे, भारत की पहली नेटवर्क पोर्टल साइट होगी। और यहां पर ध्यान देना बच्चे, ये जो नेटवर्क पोर्टल साइट है ना, ये वन वेब से सहायता लेकर के बनाई जा रही है। और वन वेब बच्चा सहायता क्यों दे रहा है? क्योंकि वन वेब के जो 36 सैटेलाइट है बच्चे, वो किसने लॉन्च किए थे? इसके 36 सैटेलाइट बच्चे, वन वेब कहां की कंपनी है? यूनाइटेड किंगडम की एक ब्रॉडबैंड कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम की बहुत बड़ी ब्रॉडबैंड कंपनी है, ठीक है, वन वेब। अब वन वेब बच्चे भारत की सहायता कर रहा है, वन वेब भारत की सहायता कर रहा है, क्योंकि बच्चे इसके 36 सैटेलाइट को बच्चे किसने उड़ान भराई थी? 36 सैटेलाइट को बच्चे स्पेस में किसने भेजा था? इसरो ने भेजा था। तो वन वेब के बच्चे हम लोग 36 सैटेलाइट जो है लॉन्च करते, जिसके एवज में वन वेब क्या कर रहा है बच्चे? वन वेब हमारे देश में सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट खोलने में मदद कर रहा है। और ये जो बच्चे भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल खोला जा रहा है, वो इनमें से किस राज्य में खोला जाएगा?
जल्दी से भाई सभी लोग आंसर करेंगे। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल बच्चा भारत में इनमें से कौन से राज्य में खोला जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, गुजरात। चलिए अगले प्रश्न पर आते बच्चे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने आइकॉनिक पक्षी लोगो को किसके साथ बदल दिया, ट्विटर ने बच्चे, ट्विटर का जो आइकॉनिक पक्षी लोगो है, जो इसका बच्चे बर्ड लोगो था, बर्ड लोगो को इसने बच्चे कौन से लोगो से चेंज कर दिया, इसने बच्चे अपना सीईओ भी चेंज कर दिया। सीईओ कौन है बच्चे, इसका लिंडा याकारिनो है। कौन है बच्चा, लिंडा याकारिनो, ये ट्विटर की नई सीईओ है। और इसने बच्चे अपना लोगो चेंज करके भाई नया लोगो जो है, नए लोगो पर इसके क्या दिखता है भाई, ट्विटर के नए लोगो पर क्या दिखाई देता है, ट्विटर के नए लोगो पर क्या दिखाई देता है बच्चे, अभी पहले बर्ड बन के आता था ना, पहले एक पक्षी बन के आता था, अभी ट्विटर के नए लोगो पर क्या बन के आता है, चलिए यहां पर ए आंसर नहीं होगा बच्चे। आप देखेंगे ट्विटर का जो नया लोगो है, ब्लैक बैकग्राउंड में, ब्लैक बैकग्राउंड में ऐसे आपको एक चौड़ी पट्टी और एक पतली पट्टी का बच्चे एक्स दिखाई देगा। कौन सा है बच्चे लोगो, एक्स इसके लोगो में दिखाई दे रहा है। ट्विटर जो है बच्चे, ट्विटर का लोगो बर्ड से चेंज होकर के अभी एक ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर से एक्स लिखा हुआ है, थोड़ा ब्राइटिश एक्स लिखा हुआ है, यही इसका नया लोगो होगा। बहुत अच्छे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, सुनियात सेन, ली कियांग, साई इंग वेन, जू जिनताओ, तो इनमें से बच्चे किसको चीन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया, चीन का नया प्रधानमंत्री कौन चुना गया, चीन का नया प्रधानमंत्री, ठीक है। चीन बच्चे जिसकी राजधानी कहां पर है, जिसकी राजधानी बच्चे बीजिंग, राजधानी कहां पर बच्चे इसकी, बीजिंग है। और इसकी बच्चे करेंसी कौन सी है, इसकी करेंसी भाई चीन की करेंसी कौन सी चलती है बच्चा, चीन में करेंसी चलती है युआन की, कौन सी बच्चे, युआन की इसकी करेंसी रहती है। अभी यहां पर ध्यान देना बच्चे, यहां पर जो नए प्रधानमंत्री बनाएंगे, चीन के जो नए प्रधानमंत्री बनाएंगे बच्चे, वो कौन है, जल्दी से भाई सभी लोग आंसर करें। बी इज द राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर होगा, ली कियांग को बनाएंगे, किसको बनाएंगे बच्चे, ली कियांग को चीन का नया प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 32वें ब्यास सम्मान, 32वां ब्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया, ब्यास सम्मान ध्यान दें, 32वां ब्यास सम्मान, 32वां ब्यास सम्मान किसे दिया गया, 32वां ब्यास सम्मान बच्चे इनमें से किसे दिया गया। अब चलिए मैं ये बता देता हूँ बच्चे, जो 32वां ब्यास सम्मान है, सबसे पहले चीज तो बच्चे ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ये किसके लिए दिया जाता है बच्चे, ये लेखन के लिए दिया जाता है, ठीक है। और बच्चे कौन से लिटरेचर को दिया गया, इस बार पागल खाना नाम की कृति को दिया गया, पागल खाना नाम की बच्चे एक कृति है, इस कृति के लिए इसके राइटर को दिया जाएगा, किसके राइटर को बच्चे, पागल खाना के लेखक को दिया जाएगा। जैसे गोल्डन बुक अवार्ड है बच्चे, गोल्डन बुक अवार्ड किसे दिया गया, गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया राखी कपूर को, गोल्डन बुक अवार्ड किसे दिया गया बच्चे, ये अवार्ड राखी कपूर को दिया गया। और बच्चे इनकी कौन सी रचना के लिए, राखी कपूर की कौन सी रचना थी बच्चे, नाउ यू ब्रीथ के लिए, कौन सी रचना के लिए, नाउ यू ब्रीथ के लिए बच्चे जैसे इनको दिया गया, वैसे ही बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, वैसे ही पागल खाना के लिए, यानी कि पागल खाना रचना है, इस रचना को लिखने वाले कौन से लेखक को बच्चे अवार्ड दिया गया। कुछ बच्चों का आंसर बी आर है, कुछ का ए आर है, ज्ञान चतुर्वेदी इज द राइट आंसर, जिनका भी ए आंसर है, क्योंकि पागल खाना मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ बच्चे, इसके राइटर कौन है बच्चे, इसके राइटर ज्ञान चतुर्वेदी इसके राइटर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चे। भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 राज्यों में किस योजना को शुरू किया है। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, मेगा पार्क को विकसित करने के लिए, और मेगा पार्क का बच्चे संबंध किससे, टेक्सटाइल बिजनेस से, किससे बच्चे, टेक्सटाइल बिजनेस से, ठीक है, यानी कि बच्चे कपड़ा व्यापार से संबंधित है। और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए बच्चे मेगा पार्क 7 राज्यों में बनाया गया, जिसमें बच्चे आपका गुजरात भी है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात उत्तर प्रदेश है ना, तेलंगाना भी है बच्चे, तेलंगाना भी है, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु और बच्चे कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका पांचवा क्या रहेगा बच्चे, कर्नाटक, कर्नाटक के अलावा बच्चे यहाँ पर मध्य प्रदेश भी रहेगा,
यहाँ पर कौन सा राज्य रहेगा बच्चे, मध्य प्रदेश रहेगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र भी है बच्चे, सातवां कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इन सात राज्यों में बच्चे, इन सात राज्यों में मेगा पार्क बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चे, मेगा पार्क बनाया गया। और मेगा पार्क में बच्चे क्या होगा, कपास की खेती होगी, कपास की खेती भी होगी और साथ में ध्यान देना बच्चे कपड़ा उत्पादन भी होगा। क्या होगा बच्चे, कपड़ा उत्पादन भी होगा। तो इसीलिए बच्चे इसको 5F मिशन के साथ शुरू किया गया, 5F मिशन। और 5F मिशन में बच्चे आपको पढ़ा चुका हूँ 5F मिशन क्या है, ठीक है। 5F मिशन में बच्चे पहला F है फार्मिंग से रिलेटेड, यानी कि पहले फार्मिंग की जाएगी बच्चे कपास की। दूसरा F है बच्चे फार्मिंग करके फिर उसको फैक्ट्री में भेजा जाएगा, है ना। फिर तीसरा क्या है बच्चे, उसको क्या किया जाएगा, उसको फैक्ट्री में भेजा जाएगा, फिर उसका क्या होगा बच्चे, उसको पैसा में कन्वर्ट किया जाएगा। और चौथा क्या होगा बच्चे, इसमें फॉरेन एक्सपोर्ट होगा। क्या होगा बच्चे, फॉरेन एक्सपोर्ट होगा। तो 5F है, इसमें एक F मैं मिस कर रहा हूँ भाई, ठीक है। फार्मिंग, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन एक्सपोर्ट, ये 5F के साथ बच्चे इसको शुरू किया गया। सात राज्यों में बच्चे कौन कौन से राज्य में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सात राज्यों में ये मेगा पार्क लगाए जाएंगे। ये मेगा पार्क कौन सी योजना के तहत लगाए जा रहे हैं, मोस्टली बच्चों का आंसर आ रहा है डी बोले तो बच्चा पीएम मित्र योजना। बहुत अच्छे भाई, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना किस राज्य में शुरू की है, कौन सी योजना बच्चे, दयालु योजना। और ये दयालु योजना बच्चे अंत्योदय परिवारों के लिए, किसके लिए बच्चा, अंत्योदय परिवार। अंत्योदय परिवार कौन से होते हैं बच्चे, वो परिवार जो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं, बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के लिए, बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के लिए बच्चे, यानी कि अंत्योदय परिवारों को बच्चे आर्थिक सहायता देने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए दयालु योजना, कौन सी योजना बच्चे, दयालु योजना जो है कौन से राज्य में शुरू की गई, अंत्योदय परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बच्चे कौन से राज्य में, कौन से राज्य में दयालु योजना शुरू की गई। मानसिंह, शैली चौधरी, एक्सक्यूज मी सर, हाउ मेनी आवर यू विल टेक क्लास। बस बच्चे आपका 8 बजे तक क्लास रहेगा करंट अफेयर का, ठीक है। वैसे तो 9 बजे तक थी लेकिन अभी हम लोग 8 बजे तक कंटिन्यू करने वाले हैं इसको। जल्दी से भाई सभी लोग आंसर करेंगे, दयालु योजना किस राज्य ने शुरू की, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, हरियाणा। उड़ीसा, गुजरात, बिहार और हरियाणा, इनमें से कौन से राज्य में बच्चे दयालु योजना को शुरू किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा हरियाणा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, हरियाणा के बच्चे जो मुख्यमंत्री है, हरियाणा के बच्चे मुख्यमंत्री इस समय कौन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है बच्चे इस समय, मनोहर लाल खट्टर। कौन बच्चा, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बच्चे ये योजना शुरू की जा रही है। और इस योजना के तहत बच्चे क्या किया जाएगा, अंत्योदय परिवारों को, यानी कि जो बीपीएल कार्ड धारक परिवार है, झाड़ू नहीं क्या चल रही, तो कोई दिक्कत नहीं चल रही, चलिए ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना बच्चे कहाँ पर शुरू की गई, हरियाणा में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चे आपका, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की नई प्रमुख कौन बनी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको बच्चे एनडीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनडीपी बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी बच्चे एनडीपी की नई निदेशक, एनडीपी की नई निदेशक कौन बनी, एनडीपी की नई प्रमुख या नई निदेशक बच्चे किसे बनाया गया, एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं इसको, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चे, 15,000 स्थापना 2004 में हुई थी शायद एनडीबी की, फिलहाल मुझे क्लियर नहीं है इस वजह से मैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं दूं, ठीक है। एनडीबी के बच्चे जो नए प्रमुख बनाई गई वो कौन बनेगी, मार्कोस ट्राइजो, डिल्मा रुशेफ, रीड हेस्टिंग्स। तो इसके बच्चे जो प्रमुख बनाएगी कौन बनाएगी, डिल्मा रुशेफ बनाएगी, प्रमुख कौन बनाएगी बच्चे, डिल्मा। 2014 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय शंघाई चीन में, संस्थापक ब्रिक्स ग्रुप है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा, यानी कि बच्चे सिप्री के द्वारा जिसको आप क्या बोलते हो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीस एंड
रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, और इसके द्वारा बच्चे हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिस रिपोर्ट में पूरे विश्व का बच्चे सैन्य खर्च बताया गया था, और ये सैन्य खर्च कितना था बच्चे, 2240 ट्रिलियन USD था, 2240 ट्रिलियन USD था, यानी कि पूरा विश्व जो है बच्चा मिल करके 2240 ट्रिलियन USD जो है सिर्फ डिफेंस पर खर्च करता है, और जो कि बच्चे पिछली बार की अपेक्षा यानी कि 2022 की तुलना में 6% का इंक्रीमेंट है। कितना इंक्रीमेंट है बच्चे, 6% का इंक्रीमेंट। अब यहां पर ध्यान दें बच्चे, भारत का सैन्य खर्च बच्चे कितना रहा 2022 के लिए, भारत का बच्चे सैन्य खर्च 81.4 ट्रिलियन USD रहा। कितना रहा बच्चे, 81.4 ट्रिलियन USD। टॉप पर कौन बच्चे, सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है, सबसे ज्यादा खर्च बच्चे यूएसए करता है। सेकेंड नंबर पर कौन बच्चे, सेकेंड नंबर पर चाइना, और थर्ड नंबर पर बच्चे पहले कौन था, इंडिया था, लेकिन अब कौन पहुंच चुका है बच्चे, रशिया पहुंच चुका है, क्योंकि जब से इसका यूक्रेन के साथ वार शुरू हुआ है ये ज्यादा खर्च कर रहा है। अब इंडिया कौन सी पोजीशन पे बच्चे, इंडिया है चौथी पोजीशन, इंडिया कौन सी पोजीशन पे बच्चे, इंडिया चौथी पोजीशन पे पहुंच चुका है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, कल्याण कोष शुरू करने वाला, और किसके लिए बच्चे, मनरेगा श्रमिकों के लिए, जो मनरेगा श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, कल्याण कोष ये किसके लिए, मनरेगा कर्मचारियों के लिए, फोर्थ कंट्री। बहुत अच्छे भाई, कृष्णा कुमार जी ने आंसर किया है रशिया जो है, रशिया तीसरे नंबर पे आ चुका है भारत को डिफीट करके। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो किसके लिए बच्चे कल्याण कोष शुरू कर रहा है, मनरेगा कर्मचारियों के लिए, और मनरेगा कर्मचारियों के लिए बच्चे कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन चुका बन चुका है बच्चे, केरल, और केरल बच्चे भारत का पहला राज्य बन चुका है जल बजट पास करने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, मतलब रोबोटिक हाथी जो आपके बेहतर है उन सबको अगर छोड़ भी दे बच्चे, तो भारत में जल संरक्षण को लेकर के जल बजट पास करने वाला भारत का पहला राज्य भी आपका केरल है। भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने, हु हैज बिकम द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिसको DCGI बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, DCGI बोलते हैं। DCGI जो पद है बच्चे बहुत पुराना नहीं, DCGI पद जो है बच्चे ये बहुत पुराना नहीं है, 2019 में इस पद की स्थापना हुई थी, 2019 में पद की स्थापना हुई थी। ठीक है, पद की स्थापना हुई थी, और यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, इस बार औषधि महानियंत्रक किसे बनाया गया, 2023 में औषधि महानियंत्रक किसे बनाया गया, जल्दी से भाई आंसर करेंगे सभी लोग, 2023 में औषधि महानियंत्रक किसे बनाया गया, राजीव सिंह रघुवंशी, श्याम कुमार श्रीनिवासन, वेणुगोपाल सोमाणी, समीर वेंकटपति कामत, इनमें से किसे बच्चे भारत का औषधि महानियंत्रक बनाया गया, बी ऑप्शन। बहुत अच्छे बच्चे, किसको बनाया गया बच्चा, राजीव सिंह रघुवंशी को DCGI चुना गया। ठीक है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई। अब यहां पर ध्यान देना बच्चे, केंद्रीय बजट के अनुसार व्यक्तिगत करदाता यानी कि बच्चे इंडिविजुअल टैक्सेशन के लिए छूट की सीमा जो है 5 लाख रुपए से, यानी कि जो इंडिविजुअल टैक्स होते हैं बच्चे, पहले 5 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं पड़ता था, 5 लाख से ऊपर तक जाते थे बच्चे तो आपको टैक्स देना पड़ता था। इंडिविजुअल के लिए बात हो रही है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन की अलग रहती है, और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो मतलब उसका अलग रहता है। ठीक है, से बढ़कर जो है बच्चे इंडिविजुअल जो टैक्सेशन क्वांटिटी लिमिट होती है बच्चे, वो 5 लाख से बढ़ा करके कितने लाख रुपए कर दी गई। अब कितने लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, 5 लाख तक, 6 लाख तक, 7 लाख तक या 8 लाख तक, 7 कर दिया गया। बहुत अच्छे भाई, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे इसका, 7 लाख हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए
लाडली बहन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ बच्चे, लाडली बहन योजना, जिसमें 12,000 रुपए प्रतिवर्ष महिलाओं को दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं बच्चे? 12,000 रुपए प्रतिवर्ष महिलाओं को दिए जाते हैं। ये लाडली बहन योजना जो है बच्चे कौन से राज्य में शुरू की गई? लाडली बहन योजना कौन से राज्य में शुरू की गई? इस योजना के तहत महिलाओं के बच्चे विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए 12,000 रुपए प्रतिवर्ष महिलाओं को दिया जाएगा। एमपी, बहुत अच्छे भाई। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे इसका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। कौन बच्चा? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये योजना शुरू की गई है ना, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है बच्चे? गवर्नर भी याद रखिएगा बच्चे, मंगू भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई पटेल, ये यहाँ के गवर्नर है। कहाँ के भाई? मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मक्तूम ने अल मिनहाज शहर का नाम बदल करके क्या रख दिया? अब देखिए, भारत जैसे बच्चे नाम बदल रहा है, वैसे बच्चे संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात बच्चे अपने शहर जिसका नाम पहले क्या था बच्चे? अल मिनहाज था। क्या था बच्चे? अल मिनहाज था। अब आपको पता होगा बच्चे जो यूएई है उसके संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, जो यूएई के उपराष्ट्रपति है, नाम क्या बच्चे इनका? राशिद अल मक्तूम। राशिद अल मक्तूम ने बच्चे अपने एक शहर जिसका नाम क्या था बच्चे? अल मिनहाज था, इस शहर का नाम बदल करके क्या रख दिया? अल मिनहाज शहर का नाम बदल करके क्या रखा गया? अल मिनहाज शहर का नाम बदल करके क्या रखा गया बच्चे? ये यूएई का एक शहर है अल मिनहाज, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया बच्चे? हिंद शहर रख दिया गया। क्या रख दिया गया बच्चे? हिंद शहर रख दिया गया। चलिए एक प्रश्न और कर लेते बच्चे हम लोग, 25 क्वेश्चन कर लेते हैं इस सीरीज के भी, है ना, 25 और 35 आज के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न क्या बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राकृतिक विरासत व पारिस्थितिकी स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-2024 भाषण में किस योजना को शुरू करने की बात की है? प्राकृतिक विरासत एवं पारिस्थितिकी को बच्चा बेहतर करने के लिए, यहाँ पर ध्यान देना, ये वर्ड जो है आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। प्राकृतिक विरासत और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य, यानी कि बच्चे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए और साथ में जो प्राकृतिक विरासत स्थल है उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में कौन कौन से बच्चे योजनाएं शुरू की? तो मिष्टी योजना जो है बच्चे, मिष्टी योजना ये किसके लिए? ये मैनग्रोव वृक्षों के लिए। किसके लिए बच्चे? मैनग्रोव वनों के लिए। तो मैनग्रोव वन बच्चे ये आपके विरासत स्थल में भी आते हैं और इनका अपना प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अमृत धरोहर, अमृत धरोहर बच्चे रासायनिक उर्वरकों को कम करने के लिए शुरू किया गया। किसके लिए बच्चे? नहीं, अमृत धरोहर किसके लिए शुरू किया गया था बच्चे? अमृत धरोहर का शुरुआत हुआ था बच्चा जो आपके आर्द्र भूमि स्थल है, जो आर्द्र भूमि स्थल है बच्चे, आर्द्र भूमि स्थलों के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि स्थलों के संरक्षण के लिए। तो आर्द्र भूमि स्थल क्या है बच्चे? ये आपकी प्राकृतिक विरासत भी है और इनका बच्चे अपना पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है। पीएम प्रणाम, प्रणाम का प्रयोग किया गया था बच्चे किसके लिए? उर्वरक के लिए। ये रासायनिक उर्वरकों के कम करने के लिए था। तो अगर बच्चे रासायनिक उर्वरक हम लोग कम करते हैं तब भी हम लोग क्या करेंगे बच्चे? पारिस्थितिकी तंत्र को काफी लाभ पहुंचाएंगे। तो ये तीनों योजनाएं जो है बच्चे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए शुरू की गई। तो आप आंसर क्या करोगे बच्चे? उपर्युक्त सभी। मिष्टी मैनग्रोव के लिए, प्रणाम किसके लिए था बच्चे? प्रणाम रासायनिक उर्वरकों को कम करने के लिए चलाई गई योजना थी। अमृत धरोहर थी बच्चे आपकी आर्द्र भूमि स्थलों से संबंधित। चलिए आज की क्लास को बच्चे यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल आपकी डेली करंट अफेयर के साथ। आप सभी बच्चों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार सेशन में बने रहे। मेरी तबीयत आज थोड़ा कम सही थी, इस वजह से मैं क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। 3 घंटे हम लोग क्लास करते, मैं रात में थोड़ा सा फीवर और कोल्ड से काफी परेशान था, लेकिन फिर भी मैंने मॉर्निंग में लीव ना लेकर के क्लास ली, क्योंकि आप लोगों के बच्चा एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं और अभी हम लोग किसी भी प्रकार का जो आलसपन है उसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और आप आज की क्लास से ही आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ा कम सही है ना, मैं बहुत तेज आवाज में
बोल भी नहीं पा रहा हूँ, और प्रयास बस कर रहा था किसी तरीके से आप लोगों को 50-60 क्वेश्चन जो है डिलीवर कर सकूं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो सेशन में बने रहे, और लगातार बच्चे आपने रिवीजन करते रहना, लगातार आपने रिवीजन करते रहना, और कम से कम बच्चे इस समय 10 घंटे पढ़ाई पढ़ लेना, 10 घंटे स्टडी के लिए बच्चे आपने निकाल के रखना है, और एकदम कसम खा लेना है कि चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, कुछ भी हो, हमें 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब 10 घंटे डेली पढ़ना है, और रिवीजन मोस्टली बच्चे किस पर फोकस करना है, रिवीजन पर फोकस करना है। रिवीजन पर फोकस क्यों करना है बच्चे, क्योंकि लास्ट में बच्चे जब हम लोग सिलेबस को वैरी करते हैं ना, जो नया सिलेबस पढ़ते हैं, उस नया सिलेबस की वजह से पुरानी चीजें हम जो है थोड़ा सा उनमें भी भूलने लगते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादातर फोकस किस पे करेंगे बच्चे, रिवीजन क्लास पे करेंगे। गुरु जी साइंस की क्लास कब है प्लीज बताइए। साइंस की क्लास बच्चे आपकी रात 8 बजे से होगी, ठीक है। साइंस क्लास जो है आपकी रात 8 बजे से चलेगी, रात 8 बजे से 10 बजे तक एक क्लास रहेगी आपकी साइंस की क्लास। सर ज्योग्राफी की क्लास कब से चलेगी? कल से बच्चे ज्योग्राफी की क्लास भी चलने लगी, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके दीपक सर जो है आज आ जाएंगे, और कल से आपके बच्चे साइंस की क्लास भी कंटिन्यू चलने लगेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी बच्चों को जो लगातार सेशन में बने रहे। नितिन छोड़ो, नितिन आप